नंबर 2.7 आई थिंक 2.14 2.14 पे आओ 2.14 हाँ अभी ना एकदम आराम से सुनना पहले के 6 MCQs आई विल सॉल्व 7th MCQ मैं आपको करने को दूंगा मन पहले उसके पहले बोर्ड पे देखो एक बार सब लोग बोर्ड पे देखो एवरीवन प्लीज मुझे बताओ प्रोडक्शन बजट प्रोडक्ट का बनता है रिपीट करो किसका फॉर्मेट सुनो बजटेड सेल्स क्वांटिटी एड क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी यस नो बोलो लेस ओपनिंग स्टॉक क्वांटिटी तो बोलो बजटेड सेल्स क्वांटिटी एड क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी लेस ओपनिंग स्टॉक क्वांटिटी विल गिव यू बजटेड प्रोडक्शन क्वांटिटी हाँ या ना अब सर आपने ये पहले से ही क्यों लिख दिया बेटा अभी अपन जो 6-7 क्वेश्चन स्टार्टिंग के करने वाले हैं ना वो प्रोडक्शन बजट पे रिपीट करो किस पे 4 में से आपके पास 3 चीज अवेलेबल रहेगी तो चौथी चीज आप बैलेंसिंग फिगर ढूंढ सकते हो नाउ लेट मी रीड फर्स्ट क्वेश्चन अ कंपनी हैज सेल्स इन यूनिट्स ऑफ 2600 देयर आर 1400 यूनिट्स ऑफ ओपनिंग स्टॉक व्हाइल द क्लोजिंग स्टॉक इज प्लान्ड टू बी 1800 यूनिट्स बोलो What production is needed to satisfy sales? Last line, bud. पढ़ो सब लोग last line. मतलब देखो production का quantity पूछा है तो उसके लिए देखो production का budget बनाना पड़ेगा board पे देख sales की units बोल और closing stock बोल और opening stock जो कि less होगा तो कहना इसे 3000 आ गया मैं ना आपको एक चीज पूछता हूं है ना एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया कहीं भी ऐसा लिखा है प्रिपेयर प्रोडक्शन बजट खाली उन लोग ने पूछा है प्रोडक्शन का क्वांटिटी और अपन बजट के चैप्टर पढ़ रहे हैं इसलिए अपन ने प्रोडक्शन बजट बना के सॉल्व किया एग्जाम में ये समाया आपको प्रोडक्शन बजट का फॉर्मेट याद नहीं है तो कोई बात नहीं टी फॉर्म बना लो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बोलो ओपनिंग स्टॉक कहां लिख दें क्लोजिंग स्टॉक सेल्स प्रोडक्शन डेबिट तो इन चारों में से 3 चीज दी होगी नहीं समझा बेटा कोई फॉर्मेट का तो मार्क्स सही नहीं ना मैं तो ये बोल रहा हूं कि मैं आपको बजटरी चैप्टर पढ़ा रहा हूं और अभी अपन ने प्रोडक्शन बजट के सम किए ब्रेक के पहले तो एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है तो मैं आपको स्पेसिफिक फॉर्मेट में सॉल्व करवा रहा हूं बट अगर यही सम एग्जाम में आ जाए और अपन फॉर्मेट भूल जाएगी क्लोजिंग एड था ओपनिंग लेस था तो चांस क्यों लेने का टी फॉर्म बना के सॉल्व कर लो नहीं समझा पक्का ठीक है क्वेश्चन नंबर 2 मन में पढ़ बोलो सेल्स कितना क्लोजिंग ओपनिंग 120 तो कहना है 110 आपका प्रोडक्शन हो गया बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन 3 मैं रीड करता हूं चलो क्वेश्चन 3 भी आप रीड कर क्वेश्चन 3 भी आप रीड कर बोलो बेटा बोलो क्वेश्चन 3 में सेल्स कितना है 330 क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक पूछा है प्रोडक्शन तो कहने से ओपनिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी बोलो बेटा 130 चलो अभी क्वेश्चन 4 मैं रीड करता हूँ नोटिस करो बेटा व्हाई क्वेश्चन 4 इज डिफिकल्ट यू नो इट्स नॉट डिफिकल्ट एक्चुअली उसका फॉर्मेट खाली गंदा है आप क्वेश्चन 1, 2, 3 देखो वो अपन स्टेटमेंट फॉर्म में है एंड 4th इज इन पैराग्राफ तो ध्यान रखने का एम लिमिटेड प्रोड्यूसेस एंड सेल्स कंप्यूटर्स इट हैड 2000 कंप्यूटर्स इन फिनिश गुड्स इन्वेंटरी एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर तो बोलो लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक अपना
Good. It M Limited expects to sell 20,000 computers and would like to complete in this year with at least 2,500 completed computers in inventory. ये year का closing stock हो गया. There is no ending WIP in either year. Opening WIP, closing WIP नहीं है. Common sense apply करके answer देना. The laptop computers sell for rupees 15,000 each. तो बोलो rupees 15,000 quantity हुआ कि selling price? लिखो उधर selling price. अब आराम से आंसर दे. How many laptop computers would be produced in the next year? Produced मतलब production का quantity पूछा है. और production का quantity पूछा है तो selling price का कुछ काम ही नहीं है. अब question बढ़ो. Sales का units कितना है? 20,000. Closing stock कितना है? Opening stock कितना है? तो 20,500 आपका production हो गया. आया ना बोल? क्वेश्चन फाइव मतलब बेटा सेलिंग प्राइस का कुछ यूज नहीं था. वी स्टार्ट क्वेश्चन फाइव. कंसीडर द फॉलोइंग डेटा फॉर द मंथ ऑफ मे. ओपनिंग स्टॉक दिया है, सेल्स दिया है. इफ क्लोजिंग इन्वेंटरी हैज टू बी 50% हायर देन द प्रीवियस मंथ देन प्रोडक्शन विल हैव टू बी. पहले अच्छे से सुन ले क्वेश्चन नंबर फाइव. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आराम से सुन. सेल्स का क्वांटिटी कितना है? 660 लिख दिया मैंने. ओपनिंग स्टॉक कितना है? अब है ना कंपनी की पॉलिसी क्या बोल रही है क्लोजिंग स्टॉक के बारे में, नीचे देख. उन लोग बोल रहे हैं हमारा क्लोजिंग स्टॉक लास्ट मंथ के क्लोजिंग स्टॉक से 50% ज्यादा है. वापस बोलता हूं फिर तू एक बार पढ़. हमारा क्लोजिंग स्टॉक, मेरा क्लोजिंग स्टॉक लास्ट महीने के क्लोजिंग स्टॉक से 50% ज्यादा है. अब आप मुझे बताओ मेरा क्लोजिंग स्टॉक लास्ट महीने के क्लोजिंग स्टॉक से 50% ज्यादा है, मतलब लास्ट महीने का क्लोजिंग स्टॉक मेरा ही तो ओपनिंग स्टॉक है. दैट मींस 80 से 50% ज्यादा कम्स टू 120. नहीं समझा? पर कौन से मंथ की बात हो रही है? मे. तो मे का क्लोजिंग स्टॉक बोलो अप्रैल के क्लोजिंग स्टॉक से 50% ज्यादा है और अप्रैल का क्लोजिंग मई का ही तो ओपनिंग है. बोलो 700. सबको ये समझा? नाउ ये 1, 2, 3, 4, 5 इसका मैंने फॉर्मेट एक ही बना दिया और आप भी इसी तरीके से लिख लेना. नाउ आई एम सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 6. वेट, जस्ट वेट देयर. बजटेड सेल्स क्वांटिटी खुद को पढ़ाने में ना बेटा बहुत मजा आती है. एड क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी, बहुत अलग ही मजा है. मतलब महिंदर से आने का डुम्बीवली तक और खुद को पढ़ाने का 2.5 से 9, मस्त रिवीजन होता है. बजटेड प्रोडक्शन क्वांटिटी, ब्रेनलेस मोरॉन्स. तुमको यस नो बोलने को नहीं होता है? नीचे देखो अभी. वी स्टार्ट. As per budget of Z Limited, comma, estimated sales units for the month of April and May are 12,000 units and 13,000 units. आराम से आंसर दे. अप्रैल का सेल्स कितना है और मई का सेल्स? ये यूनिट्स है. पढ़ो. As a matter of policy, the company maintains the closing stock of finished goods as 50% of estimated sales for the next month. Okay. मतलब अपना क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट मंथ के सेल का 50% है. वापस बोलो. अपना क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट मंथ के सेल का 50% है. ये सेंटेंस एक बार मन में पढ़. पढ़ा? अब लास्ट लाइन पढ़ो. यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल. अब मुझे बताओ कौन से मंथ की बात हो रही है? बेटा क्वेश्चन का ड्राफ्टिंग देखो बहुत अच्छा है. अप्रैल की बात हो रही है, हाँ या ना? नो वन विल टॉक, यू वोंट अंडरस्टैंड क्योंकि सेवेंथ क्वेश्चन ऐसा ही है. अप्रैल का सेल्स क्वांटिटी बोल.
क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक का मैं वर्किंग नोट बना देता हूं तो कभी गलती नहीं होगा। भैया प्लीज डोंट टॉक। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ अप्रैल, अब देखो मैं करेक्ट बोल रहा हूं कि नहीं मुझे बताओ। अप्रैल का क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट मंथ के सेल का 50% है, दैट मींस अप्रैल का क्लोजिंग स्टॉक मई पे डिपेंडेंट है, मई का क्लोजिंग स्टॉक जून पे डिपेंडेंट है, जून का क्लोजिंग स्टॉक जुलाई पे डिपेंडेंट। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ अप्रैल विल बी मई के सेल्स का 50%। बोलो मई का सेल्स कितना है? उसका 50%। पहले बताओ आपको समझ रहे हैं क्या? आप कॉमन सेंस अप्लाई कर। अगर अप्रैल का क्लोजिंग स्टॉक मई पे डिपेंडेंट है, मई का क्लोजिंग स्टॉक जून के सेल पे डिपेंडेंट है, जून का क्लोजिंग स्टॉक जुलाई के सेल पे डिपेंडेंट है, दैट मींस मार्च का क्लोजिंग स्टॉक अप्रैल पे डिपेंडेंट है, और जो मार्च का क्लोजिंग है वही अप्रैल का ओपनिंग बनेगा। ये देखो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मार्च, यस नो बोल, विल बी अप्रैल के सेल्स का 50%। एंड कैन आई से अप्रैल का सेल्स इज 12,000? तो बोलो 12,000 का 50% एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मार्च इज ओपनिंग स्टॉक ऑफ अप्रैल, और अपने को तो अप्रैल का ही करना है ना। ये हो गया 6,500, ये हो गया 12,500। हाँ या ना? पक्का समझा? वापस आंसर दो बेटा। अगर अप्रैल का क्लोजिंग स्टॉक मई के सेल पे डिपेंडेंट है, मई का क्लोजिंग स्टॉक जून के सेल पे डिपेंडेंट है, तो मार्च का क्लोजिंग स्टॉक अप्रैल के सेल पे डिपेंडेंट होगा, और जो मार्च का क्लोजिंग स्टॉक है वही अप्रैल का ओपनिंग स्टॉक है, एंड वी आर कंसर्न विद अप्रैल। क्लियर? ये कौन सा क्वेश्चन नंबर था? सेवेंथ क्वेश्चन, एकदम ऐसा ही है, सेम है ना। अभी आप एट्थ क्वेश्चन पे आओ, सेवेंथ आपको खुद से करना है। एट्थ क्वेश्चन पे आओ। अभी ये एट्थ क्वेश्चन है ना बेटा, एग्जाम में आया था। किधर आया था? एग्जाम में। ध्यान से सुनो बेटा, ये कहाँ आया था ये क्वेश्चन? नीचे देख। अ कंपनी एस्टिमेटेड इट्स सेल्स फॉर द नेक्स्ट ईयर क्वार्टर वाइज एज अंडर। क्वार्टर 1, 2, 3, 4 सेल्स का यूनिट्स दिया है। द ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इज 10,000 यूनिट्स। मुझे देख, कहना है ऐसे ये क्वार्टर वन में आएगा। And company expects to maintain the closing stock of finished goods at 16,250 units at the end of the year. ये किधर आएगा? Quarter 4 में। Next पढ़ो। The production pattern in each quarter is based on 80% of the sales of current quarter. खुद के quarter के sale का 80% and 20% of the sale of next quarter. Break के पहले सम किया था मैंने, 2/3, 1/3, 1 है ना? लास्ट लाइन बढ़ो। क्लोजिंग स्टॉक फॉर द लास्ट क्वार्टर, रिपीट कर। तो फिर आपको पूरा 1/3, 2/3, 80-20 करना पड़ेगा। अरे है ना 16,250, जो ईयर का क्लोजिंग स्टॉक है वही क्वार्टर फोर का क्लोजिंग स्टॉक होगा। 16,250 इज द आंसर। बेटा ये सब एग्जाम में आया था ना, बच्चे लोग ने पूरा वो बनाया, खुद का 80% नेक्स्ट वाला 20%। अरे ईयर का क्लोजिंग स्टॉक इस क्वार्टर फोर का क्लोजिंग स्टॉक, और उसे लास्ट क्वार्टर का क्लोजिंग स्टॉक पूछा तो आंसर ही 16,250 यूनिट्स। नहीं समझा? उधर ही एक लाइन लिखो। क्लोजिंग स्टॉक इज दैट स्टॉक, नेक्स्ट टाइम वो माइक ले। क्लोजिंग स्टॉक इज दैट स्टॉक विच इज as on the last day of the year, barabar, which is as on the last day of the year or period. Ye note maine tumko notebook mein bhi diya hai, last day of the year or period, full stop. Matlab beta kisi ne 80-20 wala kiya rahega to kitna time waste ho gaya uska, samjha? Copy this, suno. Pehle aap ye 5 question copy karo, phir ye 6th question ke liye alag se banao, फिर सेवेंथ क्वेश्चन बनाओ। स्टार्ट।
product jahan banta hai, that premises is known as factory, but that department is known as production department, which is inside the factory. Ab aap mujhe batao, production department jab tak product nahi banata, tab tak that product is known as WIP, full form, and work in progress se that WIP is known as raw material. So raw material WIP mein convert hota hai, aur wahi WIP finished goods mein convert hota hai. So can I say finished goods banane ki responsibility production department ki? Ek bar product ban gaya to aap factory mein rahoge ya factory chhod ke godown mein jaoge? Factory chhod ke godown mein jayenge. So can I say production department ne product banaya aur wo product apan log godown mein transfer karte hain, ha ya na? तो जब मैं गोडाउन वर्ड यूज करता हूं, मतलब WIP है कि फिनिश गुड्स है? फिनिश गुड्स. अब आप मुझे बताओ प्रोडक्ट बनाया किसने? बोल बेटा फटाफट. तो कहना है इसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इज इनसाइड द फैक्ट्री. प्रोडक्ट बना के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने दिया किसको? ऐसा नहीं होता. जब मैं स्टूडेंट था तो मुझे भी ये डिफिकल्टी आती थी कि प्रोडक्ट बनाने वाला प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है. प्रोडक्ट जहां स्टोर होता है वो गोडाउन है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट. बट द प्रॉब्लम इज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्ट बना के डायरेक्टली गोडाउन को देगा, ऐसा नहीं होता. पहले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्ट देता है क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट को. रिपीट करो, कौन सा डिपार्टमेंट? फिर क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने प्रोडक्ट दिए हैं उसकी क्वालिटी चेक करता है. अगर क्वालिटी अप टू द मार्क है, क्वालिटी डिजायर्ड क्वालिटी है, तो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट उसको गोडाउन में ट्रांसफर कर देता है. फिर गोडाउन वाला सेलिंग डिपार्टमेंट को देता है और सेलिंग डिपार्टमेंट वाला कस्टमर को देता है. हाँ या ना? तो मुझे बताओ प्रोडक्ट बनाया किसने? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने प्रोडक्ट बना के दिया किसको? अगर क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट को लग रहा है कि क्वालिटी बराबर है तो वो उसको पास कर देगा किधर? अगर क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट को लग रहा है कि क्वालिटी बराबर नहीं है, अप टू द मार्क नहीं है, डिजायर्ड क्वालिटी नहीं है, तो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट वो प्रोडक्ट वापस किसको देता है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उसको रेक्टिफाई करता है, वापस क्वालिटी चेक कराता है और फिर वहां से वो गोडाउन में जाता है. हाँ या ना? तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से प्रोडक्ट डायरेक्टली गोडाउन में जाता है कि पहले क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के पास जाता है? अब मेरी बात सुनो अच्छे से. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने 200 यूनिट्स बनाई. कितनी यूनिट्स? अब ये 200 यूनिट्स किसको मिली? क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट ने 200 यूनिट्स ली. अब मेरी बात सुन बेटा, मालूम है कोई कोई प्रोडक्ट एकदम पूरी तरीके से डैमेज हो जाते हैं तो उसको अपन बोलते हैं स्क्रैप. क्या बोलते हैं? उसी को आप कॉस्ट शीट में बोलते हो फैक्ट्री स्क्रैप. अब समझो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट ने ये 200 यूनिट्स का क्वालिटी चेक करना चालू किया. तो अगर प्रोडक्ट थोड़ा सा ही रेक्टिफिकेशन मांग रहा है तो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट इसको दे देगा. पर अगर प्रोडक्ट पूरा का पूरा डिफेक्टिव हो गया, पूरा का पूरा डैमेज हो गया, तो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट इसको रिजेक्ट कर देता है स्क्रैप की तरह. अब समझो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट ने 20% रिजेक्ट कर दिया. कितना परसेंट? कैलसी लो, 200 यूनिट्स में से 20% निकालो, 40 यूनिट्स. तो 40 यूनिट्स उसने स्क्रैप कर दिया. तो मुझे बताओ गुड यूनिट्स कितना हुआ? तो कहना है इसे 160 यूनिट्स की क्वालिटी बराबर है. तो गोडाउन में 200 यूनिट्स जाएगी कि 160? दैट मींस गोडाउन में जो 160 यूनिट्स जाती है ये आपका गुड प्रोडक्शन है. रिपीट करो, कौन सा प्रोडक्शन? अब मेरा आंसर आप दोगे, ठीक है? अगर क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट 20% रिजेक्ट कर रहा है, दैट मींस गोडाउन में 80% जा रहा है. अच्छा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने बनाया कितना? क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट ने रिजेक्ट कितना किया? दैट मींस गोडाउन में जो गया वो टोटल प्रोडक्शन गया कि गुड प्रोडक्शन गया? गोडाउन में जो गया वो प्रॉपर फिनिश गुड्स गया है, वो फिनिश गुड्स गया जिसकी क्वालिटी बराबर है. तो आप मुझे आंसर दोगे, इफ रिजेक्शन इज 10% so good production will be, if rejection is 15% good production will be, if rejection is 20% good production will be. अब आंसर दो. जब भी मैं गुड प्रोडक्शन वर्ड यूज करूंगा, मतलब मैं बात किसकी कर रहा हूं, और मैं रिजेक्शन की बात करूंगा तो, एंड जब मैं टोटल प्रोडक्शन की बात करूंगा तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. हाँ या ना? नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट मार्कर, दिस कैन कम इन एग्जाम. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करो और आपको सुनना है, देखना भी आपको, अभी भी शायद डिफिकल्टी आ सकती है. बट बजटेड सेल्स ऑफ प्रोडक्ट एक्स फॉर मार्च 2016 आर 25,500 यूनिट्स.
at the end of production process, 10% of net को cancel कर, 10% of production units are scrapped as defective. अब मुझे बता, 10% defective है, तो good production कितना हुआ? Very good बेटा. Opening stock of product X for March is 15,000 and closing stock will be 12,000. अब मुझे बताओ, मुझे कहाँ सब लोग? अगर मैं stock word use कर रहा हूँ, that means मैं godown की बात कर रहा हूँ. और अगर मैं गोडाउन की बात कर रहा हूं तो क्वालिटी कंट्रोल चेक होना बाकी है कि क्वालिटी कंट्रोल चेक हो गया? अगर मैं गोडाउन की बात कर रहा हूं दैट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट गुड प्रोडक्शन. वो उसने लिख के भी दिया है, जरूरत नहीं थी फिर भी लिख के दिया. ऑल स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स मस्ट हैव सक्सेसफुली पास द क्वालिटी कंट्रोल चेक. अगर एग्जाम में ये लाइन नहीं आई तो भी आपको समझना पड़ेगा कि गोडाउन में अगर माल चला गया तो क्वालिटी कंट्रोल चेक हो चुका है. नेक्स्ट पढ़ो. द प्रोडक्शन बजट of product X for March 2016 is, board पे देख, कौन सा budget पूछा है बेटा? आराम से आंसर दे. Budgeted sales quantity कितना है? पहले बताओ ये समझा. Wait, closing stock कितना है? Opening stock कितना है? देखते जाओ सब लोग. तो 22,500 आ गया. अब कॉमन सेंस अप्लाई करना, ठीक है? फटाफट आंसर दे. इसका नाम बोल सेल्स. मतलब गोडाउन से माल गया सेलिंग डिपार्टमेंट के पास, सेलिंग डिपार्टमेंट से माल गया कस्टमर के पास, तो क्वालिटी कंट्रोल चेक होना बाकी है कि हो चुका? अब मुझे बता, अगर सेल वर्ड यूज कर रहा हूं मतलब भी गुड प्रोडक्शन है, क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक वर्ड यूज कर रहा हूं मतलब गोडाउन की बातें हैं, तो ये दोनों भी गुड प्रोडक्शन है. अब मुझे बताओ, गुड प्रोडक्शन और ये नंबर इनमें से ही निकल गया है तो ये भी गुड प्रोडक्शन है. अब मुझे बताओ कितना रिजेक्ट हुआ? दैट मींस गुड प्रोडक्शन इज 90%. अब मुझे बोल, रिजेक्शन ऐड करूं कि रिजेक्शन लेस करूं? ऐड. अपन यहां से आ रहे हैं. दिस इज 90%, दिस इज 10%, दिस इज 100%. अपन उल्टा आ रहे हैं. अभी देखो आपको मालूम पड़ेगा. ऐड रिजेक्शन देखते जाना. ग्रॉस बोलो, रिजेक्शन 10 है ना बेटा? अरे अगर हम 90 - 10 का तो 80 हो जाएगा बेटा. फिर बोलो, कैलसिलो 22,500 इंटू 10 डिवाइड बाई 90, 2,500, तो ये 25,000 आ गया. अब मैं आपको बताऊं हुआ क्या, फास्ट सुनना, अगर नहीं समझ पाए तो रोक मुझे. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने 25,000 बनाया, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट ने 2,500 रिजेक्ट किया और गोडाउन में गुड प्रोडक्शन 22,500. समझा? सर आपको कैसे मालूम? ये कौन है? और अगर सेल्स स्टॉक वर्ड यूज कर रहा हूं मतलब गोडाउन की बातें, और गोडाउन की बातें मतलब क्वालिटी कंट्रोल चेक हो चुका है, तो ये तीनों गुड प्रोडक्शन है तो ये भी गुड प्रोडक्शन है. That means 22,500 is after rejection. तो production department ने 22,500 बना रहेगा कि 22,500 से ज्यादा? 25,000 बना है. सट बेटा, एग्जाम के नर्वसनेस में डिफिकल्ट है ये सब. अरे अपन ऐसा गए, ऐसा यहां से यहां गए. वो 9 के 9 क्वेश्चंस प्रोडक्शन बजट पे दे. रिपीट करो, किस पे? प्रोडक्शन बजट किसका बनता है? प्रोडक्ट का. अभी अपन नेक्स्ट 3 सम रॉ मटेरियल पे करेंगे. रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन बजट बनेगा कि परचेज बजट? बोर्ड पे देखो, तो फॉर्मेट विल बी बजटेड. बोलो, बजटेड रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड क्वांटिटी एड क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी लेस ओपनिंग स्टॉक क्वांटिटी विल गिव यू बजटेड परचेज क्वांटिटी. हाँ या ना? अब रॉ मटेरियल को कंज्यूम करने वाला प्रोडक्ट होता है, याद रखना. नीचे देख, 10th क्वेश्चन का पहला लाइन, आर लिमिटेड इज बजटिंग प्रोडक्शन ऑफ 1 लाख यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट आर फॉर द मंथ ऑफ मे दिस ईयर. तो कैन आई से 1 लाख यूनिट्स प्रोडक्शन है बेटा? रिपीट करो, क्या है? नेक्स्ट, प्रोडक्शन ऑफ 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट आर
रिक्वायर्स थ्री यूनिट्स ऑफ मटेरियल बी. बोलो एक प्रोडक्ट को बनने के लिए तीन रॉ मटेरियल चाहिए, तो एक लाख प्रोडक्ट को बनने के लिए 3 लाख रॉ मटेरियल चाहिए. बोर्ड पे देखो 1 लाख यूनिट्स एवरीवन इनटू थ्री, 3 लाख आ गया बेटा. नेक्स्ट दो लाइन मन में पढ़ो, बोलो क्लोजिंग स्टॉक कितना है, ओपनिंग स्टॉक. तो परचेज क्वांटिटी 3 लाख 2 आ गया ना बेटा, आया ना. बोलो क्वेश्चन नंबर 11 भी मैं कर देता हूं, फिर आप मुझे 12 करके दो चलेगा. नाउ लेट अस रीड 11th क्वेश्चन. अ सिंगल प्रोडक्ट कंपनी एस्टिमेटेड इट्स यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड फॉर द नेक्स्ट ईयर क्वार्टर वाइज इज अंडर. तो बोल क्वार्टर 1, 2, 3, 4 में ये जो यूनिट्स दिया है ये किसका यूनिट्स है, प्रोडक्शन. यही पेज पे 8th क्वेश्चन को देख, उधर क्वार्टर 1, 2, 3, 4 का सेल्स का यूनिट्स था. ये सेल्स का यूनिट्स दिया है ये क्वेश्चन में कि प्रोडक्शन का. बेटा कहना है क्वार्टर 1, 2, 3, 4 इज नथिंग बट 12 मंथ्स, चारों मंथ का प्रोडक्शन ऐड कर 1,60,000. आया ना वही, लिखो 1,60,000 लिख दो उधर, 1,60,000 यूनिट्स पूरे साल का. भरोसा है था नहीं तुम लोगों को इसलिए चेक किया तुमने. 1,60,000 लिखा. नेक्स्ट पढ़ो, ईच यूनिट ऑफ फिनिश्ड आउटपुट रिक्वायर्स 2 kg ऑफ रॉ मटेरियल. मुझे देख बेटा, एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए 2 किलो रॉ मटेरियल चाहिए, तो पूरे साल में कितना प्रोडक्शन करने वाला है, 1,60,000. यस नो बोलो. तो 1,60,000 प्रोडक्ट बनाने के लिए 3,20,000 kg रॉ मटेरियल चाहिए. देखो बोलो क्लोजिंग स्टॉक कितना. नेक्स्ट दो लाइन पढ़, ओपनिंग स्टॉक कितना. तो कहना इसे 3,15,000 परचेस क्वांटिटी हो गई. आया ना बोल. अच्छा पर ये नोटिस करो ना बेटा, रॉ मटेरियल कितना कंज्यूम होगा ये डिपेंड करता है प्रोडक्शन क्वांटिटी पे. अच्छा ये मैंने किया 10th और 11th, 12th आप मुझे करके दे सकते हो. वेट, विदाउट मेकिंग नॉइज 12th क्वेश्चन करना, पहले पूरा क्वेश्चन रीड करना, देन थिंक एंड देन सॉल्व. नो वन विल डिस्कस, एग्जाम जैसा साइलेंस है, ठीक है. 12th क्वेश्चन के बाद पहले ये दोनों कॉपी करो एंड देन यू स्टार्ट सॉल्विंग 12th. बेटा एक बार मैं कर लेता हूं, तुम लोग देखो बराबर है कि नहीं. पीजी लिमिटेड मेक्स अ सिंगल प्रोडक्ट एंड इज प्रिपेयरिंग इट्स मटेरियल यूजेज बजट फॉर द नेक्स्ट ईयर. ईच यूनिट ऑफ, बेटा मटेरियल का क्वेश्चन है, ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट रिक्वायर्स 2 kg ऑफ मटेरियल एंड 5,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट आर टू बी प्रोड्यूस्ड नेक्स्ट ईयर. बोलो कितना प्रोडक्ट अपन बनाने वाले हैं. हाँ, और 5,000 यूनिट्स बनाने के लिए एक प्रोडक्ट को 2 किलो चाहिए, तो 10,000 किलो रॉ मटेरियल लगेगा. हाँ या ना बोल. आगे बढ़, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल इज बजटेड टू बी 800 kg एंड पीजी लिमिटेड बजटेड टू इंक्रीज मटेरियल स्टॉक एट द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर बाय 20%. बोलो ओपनिंग स्टॉक कितना है बेटा. गुड. और उसने बोला है क्लोजिंग स्टॉक 20% ज्यादा चाहिए, तो लास्ट ईयर से 20% ज्यादा मतलब ओपनिंग स्टॉक से 20% ज्यादा. ऐसा ही किया आपने भी, 800 प्लस 20% तो 10,160 आ गया. हाँ या ना बोलो. लास्ट लाइन पढ़ो सब लोग साथ में, लास्ट लाइन. द मटेरियल यूजेज बजट फॉर द नेक्स्ट ईयर इज, तो मटेरियल यूजेज बजट पूछा है बेटा, तो आंसर इज 10,000. पढ़ो लास्ट लाइन वापस पढ़ो. मटेरियल यूजेज बजट पूछा है, मटेरियल यूजेज बजट मतलब मटेरियल कितना यूज होगा, तो 5,000 यूनिट बनाने के लिए 10,000 kg यूज होगा. अगर लास्ट लाइन में मटेरियल परचेज बजट पूछा होता, रिपीट करो कौन सा,
then your answer would have been 10,160. Now you do one thing, 11th question ka last line padho, dekho to purchase word rahega. 10th question ka bhi last line padho, wahan pe purchase word rahega. Yahan pe purchase word tha ki usage budget tha, par 5000 unit banane ke liye 10000 kilo raw material chahiye. So answer is 10,000. To aapne jo solve kiya na, uske niche note likho red pen se, to yaad rahega na aapko. Likho रेड पेन से, लिखो इंपॉर्टेंट नोट. इन दिस क्वेश्चन कॉमा वी वर एम्बेरेस्ड. लिखो राइट. इन दिस क्वेश्चन कॉमा वी वर एम्बेरेस्ड. वी डिडंट रीड द क्वेश्चन एंड वी थॉट द आंसर इज 10,160, बट द आंसर केम टू बी 10,000. देन दिस गाय केम एंड इंसल्टेड अस ऑन आवर फेस. Write that. Hopeless. In this question, comma, material purchase. Sorry, एक मिनट. In this question, comma, जो मैं बोल रहा हूँ वो लिख रहे, वो सब लिखेगा क्या गधे? वो सब मत. In this question, comma, material purchase को cancel करो. Material consumption quantity is asked, and hence the answer is 10,000 kg. And hence the answer is 10,000 kgs. Full stop. Next paragraph. If material purchase quantity would have been asked, if material purchase quantity would have been asked, comma, answer would have been 10,160 kg. अब समझा? पक्का समझा? Answer would have been 10,160 kgs. Full stop. साठ फ्लेक्सिबल बजट. अब मुझे बताओ, एक साथ आंसर देना, ऐसा समय करा चुका हूं तो आपको ही करना है. फ्लेक्सिबल बजट किसका बनता है? ओवरहेड्स. फ्लेक्सिबल बजट किसका बनता है? Overheads. बोलो. वेरिएबल कॉस्ट का क्या सेम रहता है? पर यूनिट. फिक्स कॉस्ट का? मान लीजिए अपन वेरिएबल अलग लिखते हैं, फिक्स अलग लिखते हैं. आज का फर्स्ट सम यार. आ जाओ. पी लिमिटेड हैज प्रिपेयर्ड इट्स एक्सपेंस बजट for 20,000 units in its factory for the year 2016 as detailed below. To bolo ye jo niche box mein data diya hai, ye kitne units ka hai? 20,000. Seedha last line padho. What will be total cost at 18,000 units? Bolo kitne units ka pucha hai? 18,000. To maan le, main flexible budget mein pehle given data complete karna padega and then aap required part pe jaoge. To bolo given data kitne units ka hai? तो पहले हम 20,000 का करेंगे, फिर अब मुझे जैसे जैसे मैं सम पढ़ूंगा आप मुझे बोलना कौन वेरिएबल है कौन फिक्स्ड. बोलो. डायरेक्ट मटेरियल वेरिएबल कॉस्ट. डायरेक्ट हमेशा वेरिएबल होता है. डायरेक्ट लेबर वेरिएबल. ओवरहेड्स वेरिएबल. डायरेक्ट एक्सपेंसेस वेरिएबल. सेलिंग एक्सपेंसेस 20% फिक्स्ड, मतलब फैक्ट्री एक्सपेंसेस 100% फिक्स्ड. तो फिक्स लिखो ना. हूं क्या? एडमिन एक्सपेंसेस 100% फिक्स्ड, फिक्स कॉस्ट. डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 85% वेरिएबल, मतलब लिखा. स्टार्ट. आज सिखाया था ना वेरिएबल अलग फिक्स अलग. अरे स्टार्ट करो. 100% करेक्ट, बट ये सम कैसे करना है वो देखो अभी आप. यू कैन नॉट वेस्ट सो मच ऑफ टाइम फॉर वन मार्क ना. नीचे देखो. बोलो गिवन डेटा कितने यूनिट्स का है? 20,000. अब सब लोग बोर्ड पे देखिए. टोटल एवरीवन पर यूनिट. नेक्स्ट बोल. 18,000 यूनिट्स का पूछा है. नॉन विल टॉक नाउ. टोटल पर यूनिट करेक्ट. वेट. जस्ट वेट.
बोलो, फिर मैंने आपको ऐसा सिखाया था, वेरिएबल सब एक बाजू लिखने का, फिक्स सब एक बाजू लिखने का, आया ना? बोल, बोलो। वेरिएबल कॉस्ट लाइन से पहला डायरेक्ट मटेरियल कितना पर यूनिट, बोलो पर यूनिट, गुड। नेक्स्ट डायरेक्ट लेबर 20, नेक्स्ट वेरिएबल ओवर हेड्स, हाँ हाँ, नेक्स्ट 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 10.2 डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस 10.2, नेक्स्ट हो गया रेट एट सेंस। बेटा इसका पर यूनिट का टोटल दो, 113.2। वेट 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 वेट, वेरिएबल कॉस्ट इज डन, कौन सा कॉस्ट चालू? आपने किया है ना ये सब, मैं जो पूछ रहा हूं खाली उसी का आंसर देना। बोलो पहला, एक मिनट, सेलिंग एक्सपेंसेस का पहले आपको पर यूनिट आया होगा कितना, 3 × 20,000, 60,000, कीप योर माउथ शट बैक साइड। या नेक्स्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस पर यूनिट 1,40,000, नेक्स्ट एडमिन एक्सपेंसेस एवरीवन 80,000, नेक्स्ट वेट 36,000, नेक्स्ट हो गया। नाउ वेट, फिक्स कॉस्ट का टोटल का टोटल टोटल 3,16,000। अब ना थोड़ा कॉमन सेंस अप्लाई करो, कॉमन सेंस, इन सब की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं। वेरिएबल कॉस्ट का क्या सेम रहता है? तो ये यहां लिखेगा, 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 इससे अच्छा 113.2 यहां लिख इंटू 18,000, आया ना? और फिक्स कॉस्ट का ये लिखने से अच्छा 3,16,000 लिख करो, 20,37,600 प्लस 3,16,000, सबको ये समझा? पक्का बेटा? तो इस तरीके से करो ना, बाकी सबकी क्या जरूरत है? एरो बना लो, तुम लोग सब फाइन किए ना? There has to be a difference between skilled and unskilled labor. Literates, illiterates. क्या हुआ, तू ऐसा किया मेरी तरह? ठीक है, तो भी तू इलिटरेट ही है। रिपीट करो, किससे? तो आंसर पर यूनिट में आता है। अगर मैं यूनिट्स के बदले में आर से डिवाइड करूं, किससे? तो आंसर पर आर में आएगा। अबे ना आराम से सुन, इफ इनडायरेक्ट रिपेयर कॉस्ट एट 800 लेबर आवर्स इज 11,200, ओके, एंड रुपीज 12,800 एट 1,000 लेबर आवर्स, ऊपर देख 800 आवर्स के सामने कॉस्ट कितना है, हाँ, और 1,000 आवर्स के सामने कॉस्ट कितना है? सब लोग बोर्ड पे देखो, आराम आराम से आंसर देना। टोटल कॉस्ट सेम है कि टोटल कॉस्ट अलग अलग है? मतलब ये फिक्स कॉस्ट नहीं है, वेरिएबल कॉस्ट बोलने के लिए पर यूनिट सेम आना चाहिए, बट एक्टिविटी लेवल यूनिट्स में कि एक्टिविटी लेवल आवर्स में? तो कैलसी लो, 11,200 डिवाइड बाई 800 14, 12,800 डिवाइड बाय 1,000, तो बोलो दोनों केस में पर आर सेम आया कि दोनों केस में पर आर भी अलग अलग है? मतलब ये वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं है, ये फिक्स कॉस्ट भी नहीं है, तो ये क्या हुआ? अब सेमी वेरिएबल देखो ऑप्शन में नहीं है, सी, सेमी वेरिएबल को सेमी फिक्स भी बोलते हैं, नन ऑफ दिस मत मार्क कर देना, सी ऑप्शन आएगा, सी। अब समझे मैं क्या बोलता हूं? वेट बेटा वापस सुनो,
सेमी वेरिएबल मतलब थोड़ा वेरिएबल, तो थोड़ा तो उसको सेमी फिक्स भी बोल सकते हैं ना। नीचे देखो 19th क्वेश्चन में मैं थोड़ा हेल्प करूंगा, बाकी सब आंसर मुझे आप निकाल के दो, चलेगा? द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ एबीसी लिमिटेड। आराम से सुन, मंथ्स ऑगस्ट सेप्टेम्बर, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, ऑगस्ट का कितना है और सेप्टेम्बर का, ये दोनों अमाउंट है कि ये दोनों यूनिट्स है? अब सीधा बॉक्स के नीचे वाली लाइन पर, विच कॉस्ट इज सेमी वेरिएबल इन नेचर, रिपीट कर, जो फिक्स भी नहीं है जो वेरिएबल भी नहीं है वो सेमी वेरिएबल होगा। मैं एक आइटम सिखाता हूं, आप आंसर दो, पहले आइटम का नाम क्या है? 500 और 560, बोलो टोटल कॉस्ट सेम है कि टोटल कॉस्ट अलग अलग है, मतलब ये फिक्स कॉस्ट नहीं है, पर यूनिट निकालो। 500 डिवाइड बाय 2800, बोलो मत मुझे, खाली निकालो। 560 डिवाइड बाय 3600, तो पर यूनिट भी सेम नहीं है, तो बोलो ये कौन सा कॉस्ट निकला? लिखो रिपेयर्स के बाजू में SVC, वैसे ही सबके लिए करो। तीन हो गया है, और नेक्स्ट पेज पे एमसीक्यूज वाली बुक में क्वेश्चन 18 और 19 भी हो गया है ना। अभी अपन जो एमसीक्यूज करने वाले हैं, वी विल स्टार्ट फ्रॉम 14th क्वेश्चन। आ जाओ एमसीक्यूज वाली बुक में पेज नंबर 2.16 पे, वी स्टार्ट विद 14th क्वेश्चन। अब 14th क्वेश्चन, 15th क्वेश्चन, 16th क्वेश्चन, 17th क्वेश्चन सिमिलर है और आपको इधर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक और बार सब लोग आंसर दो, फ्लेक्सिबल बजट किसका बनता है? उसका कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट, बट उधर कंसेप्ट वही है, वेरिएबल कॉस्ट का क्या सेम रखने का, कॉस्ट पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट का, और अगर दोनों भी सेम नहीं रहा तो। अभी हम नीचे देखो बेटा, बहुत अच्छे क्वेश्चंस है। 14th क्वेश्चन, CA कंपनी मैन्युफैक्चर्स अ सिंगल प्रोडक्ट एंड हैज ड्रॉन अप द फॉलोइंग फ्लेक्सिबल बजट फॉर द ईयर, पर्टिकुलर्स 60%, 70%, 80%। मुझे देख, जब भी परसेंटेज आएगा ना मैडम, वो परसेंटेज को यूनिट्स में कन्वर्ट कर देगा। तो लिखो 60% के ऊपर 60 यूनिट्स, 70% के ऊपर 70 यूनिट्स, 80% के ऊपर 80 यूनिट्स। अब सीधा बॉक्स के नीचे वाली लाइन देखो, व्हाट वुड बी टोटल कॉस्ट इन अ बजट दैट इज प्रिपेयर्ड एट 77% लेवल ऑफ एक्टिविटी, अंडरलाइन 77%। बेटा 77% मतलब 77 यूनिट्स। अब एकदम आराम से सुनो और मुझे आंसर दो, 60 यूनिट्स बनाने का टोटल कॉस्ट 3,04,000 दिया हुआ है, तो मुझे देखो 60 यूनिट्स बनाने का टोटल कॉस्ट 3,04,000, तो 77 यूनिट्स बनाने का कितना आप डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तब भी पॉसिबल है जब हर खर्चा वेरिएबल हो। अभी एक भी खर्चा फिक्स कॉस्ट निकला, क्या निकला, तो वो तो 60 यूनिट्स के लिए भी उतना ही रहेगा और 77 यूनिट्स के लिए भी उतना ही रहेगा। हाँ या ना बोलो। तो पहले आप ये पॉइंट पे अग्री करो, वी कैन नॉट डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई, हाँ या ना। तो सर फिर ये सम कैसे करने का, अपने को हर एक कॉस्ट को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन वेरिएबल है कौन फिक्स्ड। नीचे देख, मटीरियल, आप मुझे बताओ मटीरियल हमेशा कौन सा कॉस्ट होता है, और अगर वो वेरिएबल कॉस्ट है तो उसका टोटल सेम रहेगा कि पर यूनिट। कैलसी लो, 1,20,000 डिवाइड बाय 60, 2,000, 1,40,000 डिवाइड बाय 70, 2,000, 1,60,000 डिवाइड बाय 80, वो भी 2,000 आया बेटा। तो आप एक काम करो, मटेरियल के बाजू में लिखो वीसी, व्हाट इज वीसी, कॉमा 2,000 पीयू, व्हाट इज पीयू, समझा। नेक्स्ट, लेबर भी हमेशा कौन सा कॉस्ट होता है, और अगर वो वेरिएबल है तो उसका क्या सेम आना चाहिए, निकालो पर यूनिट। तीनों में देखो बेटा, आपको समझ भी रहा है ना आप क्या कर रहे हो, तो बोलो उसके बाजू में क्या लिखोगे, वीसी कॉमा 1,500 पीयू, व्हाट इज पीयू, गुड। अब रुक जाओ, फैक्ट्री ओवरहेड्स, बोलो सब सेम है कि सब अलग अलग है,
मतलब फिक्स कॉस्ट नहीं है, चलो पर यूनिट निकालो, 54,000 डिवाइड बाय 60, नेक्स्ट 58,000 डिवाइड बाय 70, हाँ तो फिर लास्ट वाला चेक मत करो डोंकी की तरह, पहले के दो ही सेम नहीं है बेटा, तो लास्ट वाला सेम करके क्या करोगे आप, तो आप मुझे बताओ, पहले के दो सेम नहीं है मतलब ये वेरिएबल भी नहीं है, और टोटल कॉस्ट सेम नहीं है मतलब ये फिक्स भी नहीं है, तो ये कौन सा कॉस्ट है, लिखो फैक्ट्री ओवरहेड्स के बाजू में एस वी सी, व्हाट इज एस वी सी, नेक्स्ट अदर ओवरहेड्स, देखो सब जगह 40,000 40,000 40,000, तो बोलो क्या टोटल कॉस्ट सेम है, और अगर टोटल कॉस्ट सेम है तो ये कौन सा कॉस्ट हुआ, सबको समझा, हाँ अब आप लास्ट लाइन पढ़ो, अपने को उसने टोटल कॉस्ट पूछा है कितने यूनिट्स का, चलो बोर्ड पे देखना, टोटल कॉस्ट फॉर 77% को अपन ने 77 यूनिट्स बोल दिया। अब बेटा एमसीक्यूज का बेस्ट पार्ट क्या है कि जो क्वेश्चन में दिया है उसी में से सम सॉल्व करना है, क्वेश्चन देख टोटल कॉस्ट में कौन कौन दिया है, पहला दिया है मटेरियल, नेक्स्ट बोल, नेक्स्ट बोल वेट वेट वेट, फैक्ट्री ओवरहेड्स में थोड़ा वेरिएबल है और थोड़ा फिक्स्ड है क्योंकि वो सेमी वेरिएबल है, ये बात अपने को पता है, और अदर ओवरहेड्स फिक्स कॉस्ट है, इन सबको मैं ऐड करूंगा तो जाके टोटल कॉस्ट मिलेगा बेटा, तो जो जो है वो निकाल लेते हैं, आंसर आपसे लूंगा बेटा मैं, डोंट वरी। मटेरियल और लेबर हमेशा कौन से कॉस्ट होते हैं, और अगर ये वेरिएबल कॉस्ट होते हैं तो इनका टोटल सेम आएगा कि पर यूनिट, तो मुझे मटेरियल का पर यूनिट बोल, 77 यूनिट्स इंटू 2000 1,54,000, तो मुझे लेबर का पर यूनिट बोल, 77 इंटू 1,500, पहले बताओ ये समझा, अच्छा इसका नाम बोल, उसमें थोड़ा थोड़ा, ये कौन है, अब वेरिएबल और फिक्स का अपने को वर्किंग करना पड़ेगा, इसका नाम बोल, ये वेरिएबल कॉस्ट है कि पूरा फिक्स कॉस्ट, तो मैं आपसे पर यूनिट मांगू कि टोटल 40,000, तो आप ये पॉइंट पे अग्री करो, अब वर्किंग खाली फैक्ट्री ओवरहेड्स की करनी है, हाँ या ना, बोर्ड पे देख, नो वन विल टॉक, एक बार मुझे कॉन्फिडेंस आएगा तो मैं आपको करने को देता हूं, चलेगा, बोलो बेटा फैक्ट्री ओवरहेड्स 99.99% टाइम्स सेमी वेरिएबल होता है, तो सेमी वेरिएबल में थोड़ा वेरिएबल थोड़ा फिक्स्ड, उसमें वेरिएबल वाले का फॉर्मूला बोलो, चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन प्रोडक्शन, तो चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन प्रोडक्शन करने के लिए तेरे को कोई भी दो इन्फॉर्मेशन चाहिए, नीचे देख तेरे पास 60 यूनिट 70 यूनिट्स है, तेरे पास 70 यूनिट 80 यूनिट्स है, और तेरे पास 60 और 80 भी है, तो बोलो तीन में से कौन सा दो लेना है, 60 70, चलो कोई बात, 60 यूनिट्स के सामने फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना, वंडरफुल बेटा, 70 यूनिट्स के सामने कितना, वंडरफुल, अब आप मुझे बताओ सेमी वेरिएबल कॉस्ट में उसके अंदर थोड़ा वेरिएबल थोड़ा, अब बोलो कॉस्ट में चेंज कौन लाता है, वेरिएबल, और वेरिएबल कॉस्ट में चेंज लाने वाला प्रोडक्शन है, तो बोलो वेरिएबल वाले का फॉर्मूला, बोलो बेटा चेंज इन कॉस्ट कितना है अपॉन चेंज इन प्रोडक्शन, 10 यूनिट्स करो, 4000 डिवाइड बाय 10, 400 पर यूनिट, अब मुझे बताओ वेरिएबल कॉस्ट का क्या सेम रहेगा, वापस बोलो वेरिएबल कॉस्ट का क्या सेम रहेगा, एक यूनिट बनाया तो 400 रुपया, दो यूनिट बनाया तो इंटू टू, तीन यूनिट, चार यूनिट, पांच यूनिट, अब मुझे बताओ पहले केस में कितनी यूनिट्स बनाई, अब अपने को फिक्स कॉस्ट बैलेंसिंग फिगर ढूंढना पड़ेगा ना, 60 यूनिट्स बनाने के लिए 54,000 लग रहा है, यस नो बोलता नहीं, 54,000 में थोड़ा वेरिएबल थोड़ा फिक्स्ड, बोलो वेरिएबल का क्या सेम आता है, एक यूनिट का 400, मैंने कितनी यूनिट्स बनाई, 60 यूनिट्स इंटू 400, अब मुझे बोल 54,000 में से 24,000 वेरिएबल, फिक्स हो गया ना बेटा, अब आप मुझे बताओ फैक्ट्री ओवरहेड्स में
वेरिएबल का मैं यहां से क्या मांगू, टोटल की पर यूनिट कितना है बेटा और यूनिट्स कितनी है, करो 77 यूनिट्स इंटू 400, इसका नाम बोल। मैं आपसे पर यूनिट मांगू कि टोटल कितना, पक्का समझा, इन सबको ऐड करो 370,300, सबको ये समझा, पक्का बेटा, लास्ट साइन, इसका नाम बोल। ये दोनों वेरिएबल कॉस्ट है, तो मैंने आपसे टोटल मांगा कि पर यूनिट, अच्छा ये कौन है और फैक्ट्री ओवरहेड्स कौन है, सेमी वेरिएबल, तो थोड़ा वेरिएबल, ये कौन है जो कि फिक्स कॉस्ट था, उसका आपने टोटल ले लिया, समझा, स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, द बजट मैनेजर ऑफ एबीसी लिमिटेड इज प्रिपेयरिंग अ फ्लेक्सिबल बजट, मटीरियल कॉस्ट 7 पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर एवरेजेस 2.5 पर आवर एंड रिक्वायर्स 1.6 आवर्स टू प्रोड्यूस 1 यूनिट, कैलसी लो, एक प्रोडक्ट को बनने के लिए कितना आवर्स लगा, 1.6 आवर्स, कैलसी पे 1.6 लो, और एक घंटे का आप लेबर को 2.5 दे रहे हो इनटू 2.5, तो कहना इसे एक प्रोडक्ट बनाने के लिए आपने लेबर को 4 रुपया दिया, तो लिखो लेबर के ऊपर 4 पर यूनिट। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, लास्ट सम में मटेरियल का आपको पर यूनिट निकालना पड़ा था, ये सम में मटेरियल का पर यूनिट 7 दिया हुआ है, लास्ट सम में लेबर का पर यूनिट आपने निकाला था, ये सम में भी आपने लेबर का पर यूनिट 4 निकाल लिया है, और ये दोनों का पर यूनिट इसलिए निकाला जा रहा है क्योंकि ये दोनों वेरिएबल कॉस्ट है। आगे बढ़ो, सेल्समैन आर पेड कमीशन ऑफ 1 पर यूनिट सोल्ड, तो ये तो पहले से ही पर यूनिट है, हम आराम से सुन, प्रोडक्शन के ब्रैकेट में क्या लिखा है, तो मुझे बोल 1,20,000 और 1,50,000 जो दिया है ये अमाउंट है कि वो यूनिट्स है, प्रोडक्शन ओवरहेड्स मुझे देख, मान लो मैं फैक्ट्री ओवरहेड्स को गिन के, फैक्ट्री ओवरहेड्स के 4 नाम है, फैक्ट्री ओवरहेड्स, वर्क्स ओवरहेड्स, प्रोडक्शन ओवरहेड्स, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, नाम क्या है, तो उसके बाजू में लिखो FOH। अब उसने बेटा कंफ्यूज करने के लिए नीचे अमाउंट दिया और ऊपर यूनिट्स दिए, निकालो पर यूनिट, 9,70,000 डिवाइड बाय 1,20,000, नेक्स्ट 11,50,000 डिवाइड बाय 1,50,000, तो बोलो दोनों का पर यूनिट सेम आया कि अलग अलग, मतलब ये सेमी वेरिएबल हुआ। लास्ट लाइन बढ़ो, व्हाट विल बी टोटल कॉस्ट एट 1,40,000 यूनिट्स, मान लो मैं लास्ट सम में टोटल कॉस्ट आपने 77 का निकाला था, इस बार कितने का निकालना है, बोर्ड पे देखो, टोटल कॉस्ट फॉर 1,40,000 यूनिट्स कितना इजी है वो देखना, बोलो पहला है मटेरियल कितना, 7 पर यूनिट, करो 1,40,000 इंटू 7, 80, लेबर कितना, 1,40,000 इंटू 4, नेक्स्ट कमीशन, कमीशन ना बेटा कितना, 1,40,000 इंटू 1, और अब आएगा बेटा फैक्ट्री ओवरहेड्स, बोलो फैक्ट्री ओवरहेड्स में थोड़ा वेरिएबल, थोड़ा और इन सबको ऐड करके आपको मिलेगा टोटल कॉस्ट। अब आंसर देना, पहले यूनिट्स है फिर अमाउंट है, बोल पहले केस में यूनिट्स कितनी है, जब मैं 1,20,000 यूनिट्स बना रहा हूं मेरी जेब से खर्चा कितना जा रहा है, जब मैं 1,50,000 यूनिट्स बना रहा हूं तो मेरे जेब से खर्चा कितना जा रहा है, बोलो क्या ये सेमी वेरिएबल है, गुड।
सेमी वेरिएबल के अंदर थोड़ा वेरिएबल कॉस्ट होता है और थोड़ा फिक्स होता है. बोलो वेरिएबल वाले का फॉर्मूला, चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन प्रोडक्शन. बोलो चेंज इन कॉस्ट कितना है और चेंज इन प्रोडक्शन कितना है? 30,000 यूनिट्स. तो बोलो पर यूनिट कितना है? आया ना? बोल. और फिक्स कॉस्ट ढूंढने के लिए कोई भी एक डेटा खोल लेने का. बोलो पहले केस में कितनी यूनिट्स है? 1,20,000 यूनिट्स. मानने के टाइम पे कॉस्ट कितना है? बोलो क्या ये 9,70,000 में थोड़ा वेरिएबल है? बोलो थोड़ा फिक्स है. बोलो वेरिएबल का क्या सेम आता है? एक यूनिट बनाया तो 6 रुपया. मैंने कितनी यूनिट्स बनाई? करो 1,20,000 यूनिट्स इंटू 6, दिस माइनस दिस. बेटा आप इसका डेटा खोलोगे ना, बोलो तो भी 2,50,000 आएगा. तो फिर अपन बार बार खोलेंगे कि आ गया अपने पास, आ गया ना. आप मुझे बताओ फैक्ट्री ओवरहेड में जो वेरिएबल है यहाँ से टोटल उठाओगी पर यूनिट कितना, और अपने पास यूनिट्स कितनी है? 1,40,000 इंटू 6. ये कौन है? इसका पर यूनिट सेम आएगा कि टोटल कितना है आपके पास? ऐड करो बेटा सब. बेटा लास्ट सम की तरह ही था. स्टार्ट. सिक्सटीन्थ क्वेश्चन. आधा आप सॉल्व करोगे आधा मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है? वी स्टार्ट. फैक्ट्री ओवरहेड्स ऑफ गुड लक लिमिटेड. मुझे देख बेटा, अभी आपने इसके पहले मेरे साथ दो सम किए आज. फैक्ट्री ओवरहेड्स में दोनों में, दोनों क्वेश्चन में सेमी वेरिएबल था. 99.99% सेमी वेरिएबल ही होता है. मुझे देख, फैक्ट्री ओवरहेड्स ऑफ गुड लक लिमिटेड एट 55% कैपेसिटी आर 3,10,000 एंड एट 75% कैपेसिटी 3,50,000 फॉर द करंट ईयर. मुझे बताओ 55% मतलब एंड 75% मतलब 75 यूनिट्स. तो आप पहले उसके ऊपर यूनिट्स लिख दो. अब मुझे बताओ बेटा 55 यूनिट्स के सामने 3,10,000 और 75 यूनिट्स के सामने 3,50,000, तो ये सेमी वेरिएबल हो जाएगा. अब आप मुझे क्या करो मालूम है, सेमी वेरिएबल का वर्किंग नोट बना के दो, उसमें वेरिएबल का पर यूनिट और फिक्स कॉस्ट का टोटल कॉस्ट ढूंढ के दो. आगे का क्वेश्चन मैं करता हूं, चलेगा? स्टार्ट. वेरिएबल और फिक्स्ड में, यस नो? तो वेरिएबल का आपको पर यूनिट मिला होगा और फिक्स कॉस्ट का आपको टोटल मिला होगा. तो आंसर दो, वेरिएबल का पर यूनिट कितना आया? 2,000 पर यूनिट आना चाहिए. फिक्स कॉस्ट का टोटल कितना आया? तो अब मुझे बताओ, वेरिएबल का अपन पर यूनिट लेते हैं, फिक्स कॉस्ट का अपन टोटल लेते हैं, तो अपन कोशिश से करते आ रहे हैं. अब उसने ना उसको इंक्रीज करने बोला है. नीचे देखो, द फॉलोइंग इंक्रीजेस इन कॉस्ट आर एक्सपेक्टेड इन नेक्स्ट ईयर. तो बोलो कॉस्ट को कम करना है कि कॉस्ट को बढ़ाना है? पढ़ो, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने से बढ़ेगा और फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड्स, और ये चीज मैंने आपको नोट्स में लिखवाई है कॉस्ट शीट में. अगर वेरिएबल कॉस्ट को इंक्रीज डिक्रीज करना है तो पर यूनिट से करो, और फिक्स कॉस्ट को इंक्रीज डिक्रीज करना है तो टोटल से करो. ये बात अपनी हो चुकी है. बोलो वेरिएबल को कितने से बढ़ाना है? 2000 प्लस 5% 2100 पर यूनिट. फिक्स कॉस्ट विच कम्स टू 2,20,000 टोटल. अब सब लोग लास्ट लाइन पढ़ो, व्हाट विल बी फैक्ट्री ओवरहेड्स एट हाउ मेनी परसेंट? बोलो 85% मतलब 85 यूनिट्स. अब मुझे बताओ वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट, बोल वेरिएबल कॉस्ट का ऊपर से क्या लू पर यूनिट? 2,100 इंटू 85. फिक्स कॉस्ट का ऊपर से क्या लू?
2,20,000. तो 3,98,500 आपका टोटल कॉस्ट आ गया, आया ना? पक्का समझा? स्टार्ट, सुनो, ये हो गया ना, कौन सा क्वेश्चन हम बताइए? 17th क्वेश्चन में पूरा क्वेश्चन आप ही रीड करो, पूरा क्वेश्चन आप ही सॉल्व करो, सेम ऐसा ही है, उसमें ये इंक्रीज डिक्रीज नहीं करना है, चलेगा? स्टार्ट, सॉल्व मी, 2,30,000 आएगा, सेम ऐसा ही था ना, उसमें वेरिएबल का पर यूनिट निकालना था, फिक्स कॉस्ट का टोटल कॉस्ट निकालना था, इंक्रीज करने नहीं बोला था, यस नो बोलो, तो कहना है से बेटा आज के लेक्चर में आपने सेमी वेरिएबल ही देखूं मैं तो चार बार सॉल्व किया, तो अभी दिमाग में बैठ गया अभी सेमी वेरिएबल, टू लाख 30,000 आया बेटा, वी स्टार्ट, 17th क्वेश्चन का आंसर 2,30,000 आ गया, 18th क्वेश्चन, 19th क्वेश्चन वी आर डन इन द लास्ट लेक्चर, 20th क्वेश्चन इजी है, बट अभी सब क्वेश्चन मैं ही सॉल्व करूंगा, नीचे देखो, रीसेंट बजट प्रिपेयर्ड बाय जी लिमिटेड शोज दैट इंस्पेक्शन कॉस्ट इज ₹5,000 एट अ कैपेसिटी लेवल ऑफ 2,500 यूनिट्स आउट ऑफ विच 25% इज वेरिएबल, आगे का क्वेश्चन बाद में पढ़, पहले मुझे आंसर दे, तीन चीज पूछ रहा हूं मैं, अभी तू कितनी यूनिट्स बना रहा है? 2,500 यूनिट्स, और तेरा खर्चा कितना है? उसमें से वेरिएबल कितना है? तो फिक्स कॉस्ट 75% हो गया ना, बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो, इंस्पेक्शन कॉस्ट की बात हो रही है, यस नो बोलती बहुत गुस्सा आती फिर, 2,500 यूनिट्स आया ना, अमाउंट कितना है? अब 5,000 में से कितना वेरिएबल है कितना फिक्स है, इस बार अपने को नहीं ढूंढना, उसने दिया वेरिएबल फिक्स्ड, बोलो वेरिएबल का परसेंटेज, फिक्स का परसेंटेज, बोलो 5,000 का 25%, 5,000 का 75%, और मान लो वेरिएबल का पर यूनिट सेम आता है, तो आप मुझे बताओ मैं वेरिएबल का टोटल रखू कि पर यूनिट निकालू, कितनी यूनिट्स है? 2,500 से डिवाइड कर दो, मान लो बेटा अमाउंट को आप यूनिट से डिवाइड कर दो तो आंसर पर यूनिट में आता है, बोलो पर यूनिट कितना है? फिक्स कॉस्ट का पर यूनिट निकाल के फायदा नहीं है क्योंकि फिक्स कॉस्ट का अपने को टोटल ही चाहिए होता है, आप लास्ट लाइन पढ़ो, व्हाट विल बी इंस्पेक्शन कॉस्ट फॉर 1,750 यूनिट्स, बोलो, तो यूनिट्स 1,750 हो गई, और बेटा अभी अपन ने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए तो आपको ये बात तो पता चल गई हो गई, ये वेरिएबल का यहां से क्या उठाऊंगा, बोलो 1,750 × 0.5, फिक्स कॉस्ट का यहां से क्या उठाऊं, टोटल कॉस्ट, सबको समझा? तो माय सिंपल क्वेश्चन इज, फ्लेक्सिबल बजट का सम आया, तो एज ए स्टूडेंट अपना अप्रोच क्या होना चाहिए, वेरिएबल का क्या निकाल लो, फिक्स कॉस्ट का क्या निकाल लो, और सेमी वेरिएबल का वर्किंग अपने को करने आ गया, हाँ या ना? वी स्टार्ट, कॉपी करो, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, बट मेरे को नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करने को नहीं देना है, मुझे करना है क्योंकि उसका नेक्स्ट क्वेश्चन उससे सिमिलर है, तो मुझे ना दोनों क्वेश्चन साथ में करने देना, दोनों क्वेश्चन आप भी साथ में कॉपी करना, और दोनों में डिफरेंस क्या है देखना, एक सीधा क्वेश्चन है एक उल्टा क्वेश्चन है, ठीक है? एक बार मुझे देखो बेटा, अगर आप यूनिट से डिवाइड करते हो तो आंसर पर यूनिट में आता है, और अगर मैं यूनिट्स के बदले में आर से डिवाइड करूं, किससे, तो आंसर पर आर में आएगा, नीचे देखो आराम से सुन, क्वेश्चन नंबर 21 से इजी क्वेश्चन बुक में नहीं हो सकता, फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 25,000 पर मंथ, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 12 पर यूनिट, मुझे देख वेरिएबल का तेरे को क्या चाहिए होता है तेरे पास, फिक्स्ड कॉस्ट का तेरे को क्या चाहिए होता है तेरे पास, लास्ट लाइन पर, PQR प्रोड्यूस्ड 20,000 यूनिट्स ड्यूरिंग मार्च, हाउ मच इज द फ्लेक्सिबल बजटेड
फॉर टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट फॉर मार्च, मुझे बता टोटल कॉस्ट मार्च का पूछा है, बोर्ड पे देख, बोर्ड पे देख तू, प्लीज सुन, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट फॉर 20,000 यूनिट्स, बोलो वेरिएबल कॉस्ट का मैं आपसे क्या मांगू पर यूनिट, कितना 20,000 इंटू 12, 2,40,000 हो गया, मार्च महीना मतलब एक महीना, बोल फिक्स कॉस्ट एक महीने का कितना है, दैट मीन्स 2,65,000 तेरा टोटल कॉस्ट हो गया ना, पहले बताओ ये समझा। अब आप नीचे देखो क्वेश्चन नंबर 22 अच्छे से सुनना, अ डिपार्टमेंट हैज बजटेड मंथली मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट ऑफ रुपीज 90,000 प्लस रुपीज 3 पर डायरेक्ट लेबर आर, ये सेंटेंस पढ़ के मुझे क्या लगता है 90,000 रुपीज तो लग ही रहा है, ऊपर से एक घंटे का 3 रुपया भी लगेगा, तो आप मुझे बताओ 90,000 क्या हो गया फिक्स कॉस्ट, वो तो लगेगा ही, और पर आर जो दिया है वो क्या कौन सा कॉस्ट हो गया वेरिएबल कॉस्ट, तो लिखो 90,000 के ऊपर फिक्स कॉस्ट और 3 रुपीज के ऊपर वेरिएबल कॉस्ट। एक और बार पढ़ता हूं, अ डिपार्टमेंट हैज बजटेड मंथली मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट ऑफ रुपीज 90,000 प्लस रुपीज 3 पर डायरेक्ट लेबर आर, मतलब 90,000 तो लगेगा ही, उसके अलावा एक घंटे का 3 रुपया लगेगा, तो 90,000 फिक्स कॉस्ट हो गया और 3 रुपया वेरिएबल कॉस्ट। आगे बढ़ो, इफ अ फ्लेक्सिबल बजट रिपोर्ट रिफ्लेक्ट्स 1,74,000 एज बजटेड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट फॉर द मंथ, बोलो पूरे मंथ में आपके जेब से 1,74,000 गया है, द एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी अचीव ड्यूरिंग द मंथ वॉज, ऑप्शन देख आर्स में है, तो उसने आपको लेवल ऑफ एक्टिविटी पूछा है बेटा। अब सब लोग है ना एक मिनट के लिए बोर्ड पे देखेंगे, मुझे समरी दो, ये क्वेश्चन में यूनिट्स है कि ये क्वेश्चन में आर्स है, तो वेरिएबल कॉस्ट विल बी पर यूनिट या वेरिएबल कॉस्ट विल बी पर आर, अब आप मुझे बताओ वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट इज माई टोटल कॉस्ट, आराम से सुन, ये कौन है इज 90,000, गुड बेटा, ये कौन है टोटल कॉस्ट आपका 1,74,000 गया है, तो अगर तेरा टोटल कॉस्ट 1,74,000 है और उसमें से फिक्स कॉस्ट 90,000 है तो बाकी का कॉस्ट वेरिएबल होगा, बोलो कितना। अब मैं आपको एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछूंगा, सुन, ये क्वेश्चन में 20,000 यूनिट्स था, तो 20,000 यूनिट्स को तूने 12 पर यूनिट से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाला, इस बार क्वेश्चन में पर यूनिट है कि पर आर है, तो बोलो यहां पर यूनिट्स होगा कि आर्स होगा, आर्स को तूने 3 पर आर से मल्टीप्लाई करके 84,000 निकाला होगा, देयरफॉर आर्स इज इक्वल टू 84,000 डिवाइड बाई 3, पहले बताओ ये समझा। अब ये दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस बताऊं, सुन यहां पे पूछा था 20,000 यूनिट बनाया तो टोटल कॉस्ट क्या होगा, और यहां पे पूछा था कि अगर टोटल कॉस्ट 1,74,000 है तो कितना आर्स काम हुआ रहेगा, समझ गया, स्टार्ट। एक कंसेप्ट सिखा दूं बेटा आपको, मैं ओल्ड सिलेबस है ना, ओल्ड सिलेबस कॉस्टिंग में बेटा, उसमें ना बहुत सारे चैप्टर्स थे कॉस्टिंग के, अराउंड 17-18 चैप्टर्स थे, तो उसमें एक चैप्टर था लेबर करके, तो नेक्स्ट 2 MCQ है ना वो लेबर पे है, तो सर अभी हमको लेबर चैप्टर नहीं है तो वो कैसे आ सकता है MCQs, बेटा आपको लेबर बजट है ना, तो अगर आपको लेबर बजट है तो वो कंसेप्ट आपके लिए एप्लीकेबल है, सर व्हाट इज द कंसेप्ट, बोर्ड पे देख बेटा, आइडल टाइम, ये वर्ड सुना है तूने, आइडल टाइम मतलब वो टाइम जब लेबर काम कर रहा है, कि आइडल टाइम मतलब वो टाइम जब लेबर काम नहीं कर रहा, अब आइडल टाइम मतलब वो टाइम जब लेबर काम नहीं कर रहा, दैट मींस वहां पे प्रोडक्शन नहीं हो रहा, अब आइडल टाइम भी दो होता है, एक होता है नॉर्मल आइडल टाइम और एक होता है एबनॉर्मल आइडल टाइम। अब मेरी बात सुन, लेट अस से मेरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का ओनर मैं हूं, और मेरी फैक्ट्री का टाइमिंग्स है 10 to 7, रिपीट करो कितना
Now 10 to 7 if you count, तो 9 hours होता है. Repeat करो. कितना hours? मतलब labor factory में आएगा 10 बजे और labor factory से जाएगा 7 बजे. मतलब labor मेरे साथ रहेगा 9 hours. अब is it possible कि वो 9 hours continuously काम करेगा? थोड़ा time waste हो गई और जो थोड़ा time waste होता है, जब labor काम नहीं करता, जब product नहीं बनता, वो time को अपन क्या बोलते हैं? But idle time भी दो होता है. One is normal idle time and one is abnormal idle time. अब सर normal idle time मतलब क्या? Normal idle time मतलब वो time जो company को पता है कि इतना time तो waste होगा ही normally. और normal idle time के अलावा कुछ भी time waste हुआ, that time will be considered as abnormal idle time क्योंकि ये expected नहीं था. अब मैं आपको example लेता हूँ और आप मुझे answer देते हैं. 10 to 7 कितना hours दिख रहा है? मैंने मेरी factory में बोल के रखा है, company में बोल के रखा है, जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी एम्प्लॉयज हैं, आप 30 मिनट्स लंच ले सकते हो. कितना मिनट्स? 30 मिनट्स लंच टाइम अलाउड है. और फिर 30 मिनट्स के अलावा और 30 मिनट्स मैंने उनको बोला हुआ है कि आप रेस्ट लेने के लिए टाइम ले सकते हो, टी टाइम, कॉफी टाइम, रिफ्रेशमेंट टाइम, और मैंने 30 मिनट्स दिया हुआ है. तो आप मुझे बताओ पूरे दिन में मैंने मेरे एम्प्लॉयज को, वर्कर्स को कितना टाइम दिया है कि आप काम नहीं करोगे तो चलेगा? 1 आवर. तो 1 आवर कंपनी ने अलाउ किया है तो दैट टाइम विल बी कंसिडर्ड एज नॉर्मल आइडल टाइम. हाँ या ना? अच्छा, उसके अलावा भी नॉर्मल आइडल टाइम के एग्जांपल सुनो. समझो ये फैक्ट्री का गेट है, फैक्ट्री के गेट से वर्कर आया, फैक्ट्री के गेट से लेकर मशीन तक पहुंचने का टाइम इज नॉर्मल आइडल टाइम. अरे ऐसा थोड़ी ना होगा कि फैक्ट्री के गेट के जस्ट बाहर मशीन होगी. फैक्ट्री के गेट से मशीन दूर हो सकती है ना, तो फैक्ट्री के गेट से लेकर मशीन तक पहुंचने का टाइम, एक मशीन से लेकर दूसरी मशीन तक पहुंचने का टाइम, दूसरी मशीन से लेकर तीसरी मशीन तक पहुंचने का टाइम इज नथिंग बट नॉर्मल आइडल टाइम. हाँ या ना? तो सर एबनॉर्मल आइडल टाइम मतलब इसको छोड़ के जो भी हुआ एबनॉर्मल. एग्जाम्पल सुन, लेबर फैक्ट्री में आया, मशीन पे काम करने गया, लाइट चला गया, तो बोलो दैट टाइम विल बी कंसिडर्ड एज लेबर फैक्ट्री में आया, मशीन पे काम करने गया, लाइट है, मशीन बंद पड़ गई, दैट टाइम विल बी कंसिडर्ड एज लेबर फैक्ट्री में आया, लाइट भी है, मशीन भी चल रही है, मटीरियल खत्म हो गया, दैट टाइम विल बी कंसिडर्ड एज एबनॉर्मल आइडल टाइम. पहले तो ये समझा. अब आप मुझे बताओ नॉर्मल आइडल टाइम के अलावा कुछ भी टाइम वेस्ट हुआ तो दैट टाइम विल बी कंसिडर्ड एज. समझा? अब मुझे बताओ एक वर्कर है बेटा, है ना, वो मेरे साथ फैक्ट्री में एक महीने में 250 आवर्स आता है. रिपीट करो कितना आवर्स? तो 250 आवर्स वो फैक्ट्री में प्रेजेंट रहता है. आइडल टाइम कंसीडर करने के बाद मुझे मालूम पड़ा है उसका 20% टाइम वेस्ट हो रहा है. रिपीट करो कितना टाइम? तो मुझे बताओ 250 आवर्स वो फैक्ट्री में प्रेजेंट था, उसका 20% आइडल टाइम माइनस कर 50 आवर्स. तो कहना इसे ही इज एक्चुअली वर्किंग फॉर 200 आवर्स. तो आप 200 आवर्स को बोलोगे प्रोडक्टिव आवर्स. रिपीट करो कौन सा आवर्स? अब कॉमन सेंस अप्लाई कर. प्रोडक्शन 250 आवर्स में होगा कि 200 आवर्स में? क्योंकि 200 आवर्स में ही उसने काम किया है, बट लेबर फैक्ट्री में प्रेजेंट कितना आवर्स था? तो वो पेमेंट आपसे कितने आवर्स का लेगा? 250 आवर्स का. आया ना? बोलो पक्का? अभी आप एक काम करो, रफ में क्वेश्चन 23 ट्राई करो, रफ में ट्राई करो, फिर मैं सॉल्व करता हूं. ट्राई, जब मैं पूछूंगा तब भी आंसर देना. ट्वेंटी थ्री क्वेश्चन में क्या आंसर है आपको? 24,000. और कुछ? 19,200. और कुछ? बस. अब बेटा ये 23 क्वेश्चन है ना, मैं आपको पहली बार करने दूंगा तो आपको 19,200 आएगा, मैं दूसरी बार करने दूंगा तो आपको 24 आएगा, मैं आपको तीसरी बार करने दूंगा तो 2800 आएगा, बट आपको कभी 30,000 आंसर नहीं आएगा. और आंसर 30,000 ही है. अब मेरी बात सुन अच्छे से, दैट्स द रीजन आई टेल यू कि जब मैं कंसेप्ट पढ़ाता हूँ ना तो अपना दिमाग मत लगाया करो. कोई कोई लोग है ना कैल्सी पे रहते हैं. तुमने इन्वेंट किया कैल्सी? ब्रेनलेस मोरॉन्स. नीचे देखो क्वेश्चन 23, अ जॉब, मुझे देख पहले, जॉब मतलब प्रोडक्ट, रिक्वायर्स 2400 एक्चुअल लेबर आवर्स फॉर कंप्लीशन एंड इट इज एंटीसिपेटेड दैट देर विल बी 20% आइडल टाइम. बेटा फर्स्ट सेंटेंस कितना क्लियरली बोल रहा है कि जॉब को कंप्लीट करने में, प्रोडक्ट को कंप्लीट करने में
लेबर को 2400 घंटे लगेंगे और 20% आइडल टाइम है. दैट मींस तू कॉमन सेंस अप्लाई करके आंसर दे. तू कॉमन सेंस अप्लाई करके आंसर दे. जॉब तभी कंप्लीट होगा जब लेबर जॉब पे 2400 घंटा काम करेगा. दैट मींस 2400 घंटा इज माय प्रोडक्टिव टाइम, तो ही जाके जॉब कंप्लीट होगा. और आइडल टाइम कितना परसेंट है? अब समझो टोटल आवर्स 100% है, आइडल टाइम 20 है, तो इफेक्टिव टाइम 80 है. तो अगर लेबर को प्रोडक्ट बनाने में 2400 घंटा लगेगा तो उसको फैक्ट्री में ज्यादा आवर्स प्रेजेंट रहना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा तो आइडल. कैलसी लो 2400 इंटू 100 डिवाइड बाई 80, 3000 आवर्स वो प्रेजेंट रहेगा और उसका रेट पर आवर कितना है? 30,000. पहले बताओ ये समझा? समझा ये? अब मेरी बात सुन, ये कौन सा क्वेश्चन नंबर था? 23. ऊपर देख, 24th क्वेश्चन में सब ऐसी बातें हुई है, उसमें ये अमाउंट दिया है, तेरे को यहां से यहां तक आर्स ढूंढना है और अमाउंट को आर से डिवाइड करेगा तो रेट पर आर आएगा, वो ढूंढना है तेरे को. पहले ये कॉपी करो फिर वो ढूंढ के दो. अगर वो भी नहीं आया ना बेटा, यू शुड लीव माई क्लासरूम एंड नेवर कम अगेन. करके 8.25 आएगा आपको, आंसर इज 8.25. वहां एक्चुअली वो समय तो लिख के भी दिया है प्रोडक्टिव आवर्स उतना है. राइट है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना तूने इनटू आरपीएच, इनटू आरपीएच. इक्वल टू अमाउंट कितना है? 36,300. समझा ना बेटा? अरे आपको आर्स 4,400 आएगा, फिर आपने लेबर को 36,300 का पेमेंट दिया है, तो 36,300 डिवाइड बाय 4,400 यू गेट द रेट पर आर इज 8.25. यस और नो? देन दिस कंप्लीट्स अ फ्लेक्सिबल बजट का एमसीक्यूज ऑल्सो. नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 25 के जस्ट ऊपर क्या लिखा है सब लोग बोलो. कैश बजट के बाजू में लिख दो इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसका हर सम एग्जाम में आया है. चलो कैश बजट के सम्स अपन लोग ने किए थे बेटा, जितना मंथ अपन आगे जाते हैं उतना ही मंथ पीछे जाने का. फटाफट बोलो, एक महीना आगे गया तो? दो महीना आगे गया तो? तीन महीना आगे गया तो? सेकेंडली अगर 25% आउटस्टैंडिंग है तो 75% आउटस्टैंडिंग नहीं है. 75% 25% समझ गया? वी स्टार्ट, आई विल सॉल्व द क्वेश्चंस. क्वेश्चन 25, बट आप ध्यान दे रहे हो ना बेटा. बीडीएल लिमिटेड इज करंटली प्रिपेयरिंग इट्स कैश बजट फॉर द ईयर 31st March 2016 एंड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम इट्स सेल्स बजट फॉर द सेम ईयर शोज द फॉलोइंग सेल्स वैल्यू. मार्च, अप्रैल, मई, जून. मुझे देख, इन चारों महीने का आपके पास सेल्स दिया है, पढ़ो. 40% ऑफ इट्स सेल्स आर एक्सपेक्टेड टू बी फॉर कैश. मुझे देख, 40% कैश सेल है तो इसका दो मतलब निकल के आता है कि 40% पैसा सेम मंथ में मिलेगा और 60% क्रेडिट सेल है. वो पैसा कब मिलेगा वो डिपेंड करता है कंपनी की क्रेडिट पॉलिसी पे. नीचे देख, इट्स क्रेडिट सेल्स. वापस बोल, ऑफ इट्स क्रेडिट सेल्स. अंडरलाइन कर उसको, मतलब आप जो भी परसेंटेज लेना है वो क्रेडिट सेल का लेना. 70% आर एक्सपेक्टेड टू पे इन मंथ आफ्टर सेल एंड टेक अ 2% डिस्काउंट. मुझे देख, 70% लोग एक महीने के बाद पेमेंट दे रहे हैं और फिर भी अपने को 2% डिस्काउंट देना है उनको. एंड 27% आर एक्सपेक्टेड टू पे इन सेकेंड मंथ, दो महीने के बाद 27% लोग देंगे. 3% आर एक्सपेक्टेड टू बी बैड डेट्स. अब मुझे देख, बैड डेट्स मतलब पैसा मिलने वाला है कि पैसा नहीं मिलने वाला है, तो उसका कैलकुलेशन ही क्यों करता है. नेक्स्ट पार्ट, द वैल्यू ऑफ सेल्स बजट टू बी शोन इन कैश बजट फॉर मे. मतलब तेरे को खाली डेटर्स और इन लोग का पूछा हुआ है कौन से मंथ का,
थोड़ा कामनेस रखना, बोर्ड पे देख, इजी है। कौन से मंथ की बात हो रही है बेटा? अब सुन, इसका नाम बोल, मुझे बोल मई महीने का सेल्स कितना है, उसमें से कैश सेल्स का परसेंटेज कम्स टू, हाँ या ना बोल, जो क्रेडिट सेल किया है क्या उसका अपन कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स का वर्किंग नोट बनाते हैं, हाँ या ना बोलता, नहीं ऊपर देख, वर्किंग नोट वन कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, आराम से सुन, बोलो कौन से मंथ का आपको बजट बनाना है। अच्छा आप दो महीना आगे जा रहे हो तो आप पीछे भी कितना जाओगे, बोलो मई के जस्ट पहले, के जस्ट पहले, पक्का? इसका नाम बोल, बोल मार्च महीने का टोटल सेल्स, अप्रैल, मई। अब आप मुझे बताओ, मुझे ये कलेक्शन करना है कि 40% वो दे चुके हैं, तो मुझे टोटल सेल्स का कलेक्शन करना है कि क्रेडिट सेल का? वंडरफुल वंडरफुल, निकालो बेटा इसका 60%, नहीं नहीं इसका 60% निकाला, 36,000, ब्रेनलेस, 42,000, 33,000। अरे बेटा क्रेडिट सेल टोटल सेल का 60% है, क्वीन अंडर माय स्किन। पढ़ो बेटा, एक महीने के बाद कितना परसेंट पैसा मिल रहा है, नाउ कीप योर माउथ शट, 70% पैसा एक महीने के बाद मिलेगा, 27% पैसा दो महीने के बाद मिलेगा, और इन दोनों को ऐड किया तो 97% होता है, और 3% पैसा मिलेगा ही नहीं क्योंकि बैडेट्स है, तो उसका कैलकुलेशन करूँ कि कैलकुलेशन नहीं करूँ? अरे पैसा ही नहीं मिलने वाला तो क्या का कैलकुलेशन, अब रुको 36। अच्छा बेटा ये जो 70% 27% है ये टोटल सेल्स पे अप्लाई करना है कि क्रेडिट सेल्स है? उसने मेंशन किया है 36,000 का 70% निकाल, वो अप्रैल में मिलेगा, बट उसमें भी 2% माइनस करो, पहले बताओ ये समझा? नेक्स्ट 36,000 का 27% निकाल, तो बोलो वो मई में मिलेगा, तो ऊपर लिखो कि नीचे, ये बात हो चुकी थी, अब रुको मार्च खत्म, 42,000 का 70% निकाल, -2%, तो एक महीने के बाद लिख दिया, और बाकी का उसका जो पैसा है वो दो महीने के बाद मिलेगा जून में, पर वो बजट ही नहीं बनाना तो कैलकुलेशन क्यों कर रहे? हाँ मुझे बताओ, 28,812 प्लस 9,720 532, पक्का समझा? पक्का? तो ये हो गया 6,532, यस और नो? स्टार्ट, क्रेडिट सेल्स बेटा, कैश सेल्स कितना है? स्टार्ट करो बेटा, एवरीवन अब आप है ना क्वेश्चन सुनेंगे ना, पहले मेरा प्लीज अच्छे से सुनना। क्वेश्चन नंबर क्या है बेटा? इन एन ऑर्गेनाइजेशन कैश सेल्स इज 25% एंड क्रेडिट सेल्स इज 75%, ओके तो मुझे बताओ कैश सेल्स का पैसा सेम मंथ में मिल जाएगा और क्रेडिट सेल्स का पैसा बाद में मिलेगा? सेल्स फॉर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन एंड फेब तक का सेल्स दिया है, 60% ऑफ क्रेडिट सेल्स, अंडरलाइन ऑफ क्रेडिट सेल्स, मतलब ये जो 60% अप्लाई करना है ये टोटल सेल पे अप्लाई करना है कि क्रेडिट सेल पे? आर कलेक्टेड इन द नेक्स्ट मंथ, मतलब नेक्स्ट मंथ मतलब एक महीने के बाद, 30% इन द सेकेंड मंथ, सेकेंड मंथ मतलब दो महीने के बाद, एंड 10% इन द थर्ड मंथ, और 10% तीन महीने के बाद, तो 100% हो गया बेटा, नो बैड डेट्स आर एंटीसिपेटेड, ओके। द कैश कलेक्टेड इन द मंथ ऑफ फेब फ्रॉम डेटर्स इज, वापस बोल,
The cash collected in the month of Feb from debtors is. बेटा from debtors पूछा है, मतलब तेरे को खाली यही लेना है. तो collection from debtors का जो answer आएगा, that you have to mark. Last sum में cash sales भी था और collection from debtors भी था, तो वो total collection था. यहाँ पे total collection पूछा है कि collection from debtors पूछा है? हाँ या ना बोल. अब मुझे बता, दिमाग लगा के आंसर दे, कौन से मंथ की बात हो रही है? आप तीन महीना आगे जा रहे हो तो पीछे भी बोलो. फेब के पहले, के पहले, के पहले. अब आराम से सुन, टोटल सेल्स नवंबर का कितना? 14 लाख. दिसंबर, जैन, 6 लाख. फेब, ये 16 ही है ना. अब मुझे बताओ, पूरा का पूरा पैसा कलेक्ट करना है कि थोड़ा पैसा दे चुका है? कितना कैश सेल्स? 25% कैश सेल दे चुका है. तो बोलो अपन 25% का कलेक्शन करेंगे कि क्रेडिट सेल्स का? और बोलो क्रेडिट सेल्स कितना परसेंट है? करो 14 लाख का 75%, 50. 16 लाख का, नेक्स्ट नेक्स्ट. अब आप मुझे बताओ, कलेक्शन अपने को फर्स्ट लाइन का करना है कि कलेक्शन आपको सेकंड लाइन का? अब क्वेश्चन बढ़ के आंसर दे, कितना परसेंट पैसा एक महीने के बाद मिल रहा है? 60%. साथ में नहीं हो आप मेरे. कितना परसेंट पैसा दो महीने के बाद मिल रहा है? 30%. कितना परसेंट पैसा तीन महीने के बाद मिल रहा है? और ये पॉइंट पे भी अग्री करो, ये 60%, 30%, 10% टोटल का लेना है कि क्रेडिट सेल्स का? बोला है उसने, लास्ट समय भी बोला था. अब करो, 10,50,000 का 60% एक महीने के बाद, 10,50,000 का 30% कब मिलेगा? दो महीने के बाद. तो यहां लिखो 3,00,000 कितना बोला? 10,50,000 का 10% वो तीन महीने के बाद मिलेगा. सबको समझा? नवंबर खत्म. 12,00,000 का 60%, गुड. 12,00,000 का 30%, 3,60,000. और 12,00,000 का 10% आगे जा रहा है तो मत करो. 4,50,000 का 60%, बस रुक जाओ, भर गए सब. टोटल 7,35,000. अब मुझे बोल, अगर मैं उधर कैश सेल लिख दू और ये भी ऐड कर दू और फिर आंसर मार्क करूंगा तो रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि उसने कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स पूछा. तो आई विल मार्क. समझा? स्टार्ट. तो बेटा क्या होता है मालूम है, पूरा सम सॉल्व करने के बाद अपना पूरा सम राइट है एंड देन वी मार्क रॉन्ग आंसर, तो फिर इसका मार्क्स ही नहीं मिलेगा आपको, तो देखा ही नहीं ना इसने. स्टार्ट करें बेटा. 26 हो गया, 25 हो गया. एक बार पैसा सब लोग बोर्ड पे देखो. बेटा ये जो 60%, 30%, 10% था और पहले वाले क्वेश्चन में भी जो परसेंटेज था, उसने क्लियरली मेंशन किया था कि क्रेडिट सेल पे अप्लाई करना है. हाँ या ना? अब मेरी बात सुनना. Can I start? नीचे देखो, क्वेश्चन नंबर 27. ए लिमिटेड हैज ऑब्जर्व्ड इट्स रिसीवेबल कलेक्शन पैटर्न
to be as follows. 40% in the month of sale. 40% in the month of sale matlab 40% paisa same month mein mil gaya. Aur agar 40% paisa same month mein mil gaya, that means 40% cash sale hai. Aur agar 40% cash sale hai, that means 60% credit sale hai. Correct. Niche dekho. 45% in the month following the sale, matlab ek mahine ke baad. And 13% in the second month following the sale, matlab 2 mahine ke baad. And if you count, the percentage is 98. You count the percentage is 98. So 2% bad debts ho gaya. So 2% ke bare mein baat hui nahi hai, no 2% ke bare mein baat kar kyun rahe ho? Niche dekho. Beta haath rakh main kidhar hu? Haan. Sales for last 3 months of the year were as follows. October, November, December. Sales for January are budgeted to be 3,75,000. Last line bird. What are the budgeted cash collections for Jan? So, matlab, is bar khali collections from debtors pucha hai ki total cash collection pucha hai? Total collection. Is bar cash se lena padega na? Mali mein last samay ne order. Iska naam bol. Ab koi baat mat karna. My intensity might change any time. ये क्या लिखा है? कैश सेल्स का पैसा सेम मंथ में मिलता है, हाँ या ना? नीचे देखो, जैन मंथ का सेल कितना है? जैन मंथ का कैन आई से 40% इज कैश सेल्स? करो 3,75,000 का 40%, हाँ या ना? कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, प्लीज ध्यान दीजिए बेटा, बोलो कौन से मंथ की बात हो रही है? तो अपन तो जैन के एंगल से पढ़ेंगे, सब लोग ध्यान दीजिए। आप 2 मंथ आगे जा रहे हो तो आपको पीछे भी 2 मंथ जाना पड़ेगा। वेट, जैन के पहले के पहले बोलो टोटल सेल्स नवंबर का 4,50,000, 6,25,000, 3,75,000। अब मुझे नहीं 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 मुझे बता, इसके पहले तूने मेरे साथ कैश बजट के 2 सम किए, तो आप मुझे बताओ उधर अपन क्रेडिट सेल निकालते थे, अभी भी तेरा कैश सेल 40% है तो तेरा क्रेडिट सेल 60% आएगा, तो इसका 60% इसका 60% इसका 60% निकाल सकता है। बट द प्रॉब्लम इज व्हाट यू नो, इस बार जो परसेंटेज दिया है 40%, 45%, 13%, कहीं भी मेंशन नहीं है कि वो क्रेडिट सेल का है। ये भी आप एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 25 में हो, वहां पे देखो आपने अंडरलाइन किया है ऑफ इट्स क्रेडिट सेल्स। क्वेश्चन नंबर 26 का थर्ड लाइन देखो, वहां पे आपने अंडरलाइन किया है 60% ऑफ क्रेडिट सेल। अब ये सम को देखो, 40% इन द मंथ ऑफ सेल, 45% इन द मंथ फॉलोइंग द सेल एंड 13% इन द सेकेंड मंथ। कहां लिखा है वो परसेंटेज क्रेडिट सेल का है? तो बोलो इस बार परसेंटेज क्रेडिट सेल पे अप्लाई करना है कि टोटल सेल पे? अब आप पढ़ो, कितना परसेंट पैसा एक महीने के बाद मिल रहा है? बोलो बोलो, वन मंथ, नेक्स्ट 2 मंथ्स, सुन सुन अच्छे से सुन सुन, 4,50,000 का 45% फटाफट कर, 4,50,000 का 13%, वो 2 महीने के बाद मिलेगा, 6,25,000 का 45%, और इन दोनों को ऐड करो, 339,750 आपका कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स मिल, 4,00,000, हाँ या ना? तो मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन क्या है, ये सवाल में और एक तरीके से सॉल्व हो सकता है, ये समझा आपको? उसने क्या बोला था, 40% सेम मंथ ना, अरे तो आप इधर ही लिख सकते थे, ये देखो सुन सुनना गधे, 40% सेम मंथ तो निकालो, 3,75,000 का 40% जो 1,50,000 निकाला वो इधर लिख दो, फिर इन तीनों को ऐड कर दो, तो वही आंसर आएगा ना? पर सर आपने ऐसा क्यों करा है? अरे बेटा बाकी के सब सम्स मैंने ऐसे ही कराए आपको,
तो आप यही फॉर्मेट में लिखो। फिर मैं इसके नीचे आपको नोट दे देता हूं कि इस बार जो परसेंटेज है वो क्रेडिट सेल पे अप्लाई करना है कि टोटल सेल पे, टोटल सेल्स पे। अरे बेटा अगर आप क्रेडिट सेल्स पे अप्लाई कर दोगे ना तो 42% बैड डेट्स हो जाएगा। सर कैसे, बोर्ड पे देख, ये कितना है? कीप योर माउथ शट ना इलिटरेट। हाँ इसका नाम बोल। उसमें से कैश सेल्स कितना है? तो क्रेडिट सेल 60% आएगा। अब आप क्रेडिट सेल पे 45% अप्लाई करोगे और क्रेडिट सेल पे 13% अप्लाई करोगे तो 45 + 13 कितना हुआ? 58। तो फिर क्रेडिट सेल्स का 42% कहाँ गया? बेटेट्स। दैट मींस ये परसेंटेज क्रेडिट सेल्स पे लेना है कि ये परसेंटेज टोटल सेल पे लेना है? समझा सर? रेड पेन से इंपॉर्टेंट नोट लिखो। इन दिस क्वेश्चन कॉमा, इन दिस क्वेश्चन कॉमा लिखा परसेंटेज ऑफ कलेक्शन इज टू बी अप्लाइड ऑन, is to be applied on total sales. Barabar, full stop, continue. Normally, it is applied on credit sales. Barabar, normally it is applied on. तो जब आप ये नोट पढ़ोगे तो आपको समझ जाएगा कि ये सब में नया है। फुल स्टॉप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। कौन सा क्वेश्चन नंबर है पढ़ो। कीर्ति लिमिटेड हैज प्रोवाइडेड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द क्वार्टर जैन टू मार्च। तो बेटा जैन टू मार्च मतलब जैन फेब मार्च हो गया। लिसन अच्छे से। सेल्स एट द रेट ऑफ 20 पर यूनिट के ब्रैकेट में लिखा है यूनिट्स। तो बोलो 1000, 2000, 3000 जो है वो अमाउंट है कि यूनिट्स। क्लोजिंग डेटर्स, क्लोजिंग डेटर्स मतलब इतने लोगों ने पैसा नहीं दिया है ना। 20% ऑफ सेल्स आर ऑन कैश बेसिस। तो बोलो 20% कैश सेल है तो क्रेडिट सेल कितना हुआ? एंड बैलेंस ऑन क्रेडिट द अमाउंट टू बी कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स इन द मंथ ऑफ फेब एंड मार्च विल बी। तो फेब एंड मार्च में टोटल कलेक्शन पूछा है कि डेटर्स का कलेक्शन पूछे। दैट मींस कैश सेल्स का कुछ काम ही नहीं है। तो बोलो पूरे के पूरे सब में कैश सेल का काम है कि खाली क्रेडिट सेल का काम? बोर्ड पे देखो प्लीज, अच्छे से सुनना, बहुत अच्छा क्वेश्चन ड्राफ्ट हुआ है। नीचे देख, जैन फेब मार्च, मैं तो ये बोलूंगा इस बार जो टोटल सेल्स की अमाउंट है वो भी अपने को निकालनी है क्योंकि उसने यूनिट्स दिया। बोलो सेल्स का यूनिट्स कितना है जैन का? तो 1000 × 20 20,000। नेक्स्ट 40,000। नेक्स्ट बोलो कैश सेल्स निकालू कि कैश सेल्स नहीं निकालू क्योंकि अपने को जो भी करना है डेटर्स का करना है। तो बोलो कैन आई से वी हैव टू कैलकुलेट क्रेडिट सेल्स? बोलो क्रेडिट सेल्स टोटल सेल्स का कितना परसेंट है? बोलो 20,000 का 80%। बोलो नेक्स्ट 32,000। नेक्स्ट 48,000। हाँ या ना? अब मुझे बोल कलेक्शन तेरे को टोटल सेल्स का करना है कि कलेक्शन तेरे को क्रेडिट सेल्स का करना है? पक्का? अब आप बोर्ड पे देखो, आराम से सुनना मैं जो बोल रहा हूं। क्या उसने क्लोजिंग डेटर्स दिया है? पहले आप ये पॉइंट पे अग्री करो, डेटर्स मतलब वो लोग जिनसे पैसा लेना बाकी है। अब मैं आपको एकदम बेसिक क्वेश्चन पूछूंगा, आंसर फटाफट देना। जैन मंथ कौन सी डेट को एंड होता है? 31 जैन। 31 जैन को क्लोजिंग डेटर्स कितना दिखा रहा है? अब ऊपर देख, जैन महीने में तूने कस्टमर को क्रेडिट सेल किया 16,000 का और 31 जैन को भी क्लोजिंग डेटर्स दिखा रहा है 16,000। तो तेरे को डेटर्स ने पैसा दिया ही नहीं इसलिए तो बैलेंस दिखा रहा है।
नहीं समझा? नो कलेक्शन. अब मुझे बता, फेब मंथ में मैंने कस्टमर को और क्रेडिट सेल किया 32,000 का, तो मुझे 32,000 तो फेब का लेना बाकी है और जैन का भी तो 16,000 लेना बाकी है. एक और बार, जैन मंथ में क्रेडिट सेल्स कितने का हुआ? जैन मंथ के लास्ट डे पे डेटर्स का बैलेंस 16,000 बता रहा है, तो जैन मंथ में तो पैसा आया ही नहीं डेटर्स से, इसलिए तो 16,000 का बैलेंस है. फेब मंथ में मैंने 32,000 का क्रेडिट सेल और किया, तो 32 लेना बाकी है, 16 लेना बाकी है, तो टोटल लेना बाकी है 48. 28 फेब को बैलेंस कितना बता रहा है? दैट मींस तेरे को डेटर्स ने खाली 8,000 रुपया दिया. वेट, मार्च महीने में तूने 48,000 का क्रेडिट सेल और किया और पहले का 40,000 लेना बाकी है. दैट मींस तेरे को लेना बाकी 88 और क्लोजिंग डेटर्स कितना दिखा रहा है? दैट मींस उसने अपने को 24,000 दिया. तो बेटा जो क्लोजिंग डेटर्स है वो नेक्स्ट मंथ ओपनिंग डेटर्स भी तो बनता है. क्रेडिट सेल्स प्लस ओपनिंग डेटर्स माइनस क्लोजिंग डेटर्स इज कलेक्शन. हाँ या ना? स्टार्ट. तो है बेटा उसमें ना मुझे कंसेप्ट सिखाना है. ये कंसेप्ट आपको आता रहेगा तो भी सुनो. सब लोग बोर्ड पे देखो, नो वन विल टॉक. हाँ, दो कंसेप्ट सिखाने, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है. शट योर माउथ ना. जब मैं बोलता हूँ ना चुप हो जाओ तो चुप हो जाओ अपने आप. मुझे बताओ ये कौन सा अकाउंट है? फास्ट संसद है, ठीक है? इसके क्रेडिट में बाय ग्रॉस प्रॉफिट आता है. लेट्स से बाय ग्रॉस प्रॉफिट इज 10 लाख. कमीशन रिसीव्ड 1 लाख. रेंट रिसीव्ड 4 लाख. एग्जाम्पल के तौर पे ये सब. तो मुझे बताओ क्या ना, इसे आपका क्रेडिट साइड इज 15 लाख. इसमें से आपने खर्चा किया समझो 5 लाख का. फिर डेप्रिसिएशन का खर्चा है 2 लाख का एग्जाम्पल के तौर पे. तो आप मुझे बताओ, और सब खर्चे भी आ गए, इंटरेस्ट इंटरेस्ट भी लेना है तो ले लो, ये लो इंटरेस्ट. मुझे बताओ 1 लाख, 10 + 1 + 4 = 15 लाख आप यहाँ लिखते हो, वही 15 लाख आप यहाँ लिखते हो. 15 लाख में से -5 -2 -1, तो कहना ये से नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 7 लाख है. आया ना? अब समझो इनकम टैक्स का रेट है 30%. कितना कैलसी ले, 7 लाख में से 30% निकाल, 2 लाख 10,000 आपका ये हो गया टैक्स. तो बोलो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपके जेब में कितना बचा? 4,90,000. हाँ या ना? अब सब लोग फटाफट फटाफट आंसर देना. 10 लाख मेरे जेब में आया, 1 लाख मेरे जेब में आया, 4 लाख मेरे जेब में आया. सब खर्चा माइनस करने के बाद नेट प्रॉफिट टैक्स भरने के बाद मेरे जेब में कितना बचा है एज पर PNL अकाउंट? हाँ या ना? बट मैं आपको बोलता हूँ मेरे जेब में 6,90,000 रुपीज बचा है. रिपीट करो कितना? सर आपने 6,90,000 क्यों बोला? डेप्रिसिएशन मेरे जेब से गया ही नहीं. बोलो डेप्रिसिएशन इज अ कैश आइटम और नॉन कैश? डेप्रिसिएशन एक ऐसा आइटम है जो आपका एक्सपेंस है, जो आपके जेब से जाता नहीं है. आप PNL के डेबिट में दिखाते हो, प्रॉफिट कम आता है और उसकी वजह से आपका टैक्स बचता है. सर कैसे? आप मुझे बताओ, अगर मैं इधर 2 लाख ना लिखूं तो मेरा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 9 लाख हो जाएगा, और अगर मेरा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 9 लाख हो जाएगा तो टैक्स की अमाउंट 2,10,000 से ज्यादा आएगी. दैट मींस डेप्रिसिएशन में मेरा टैक्स बचाया. एज पर सेक्शन 32 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, डेप्रिसिएशन इज अलाउड एज एक्सपेंस टू बी रिटर्न इन PNL अकाउंट का डेबिट साइड. हाँ या ना? तो आप मुझे क्वेश्चन का आंसर दो. डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के हिसाब से वो एक्सपेंस है, PNL के हिसाब से आप उसको डेबिट में एक्सपेंस दिखा सकते हो, बट जब मैं कैश की बात कर रहा हूं, किसकी बात? तो आपके जेब से पैसा गया कि आपके जेब से पैसा नहीं गया? अब आप खुद आंसर दो ना. 10 लाख मेरे जेब में है, 1 लाख मेरे जेब में और आया, 4 लाख मेरे जेब में और आया, तो मेरे जेब में अभी कितना है?
जेब मतलब कैश बैंक करेंगे, 15 लाख रुपया मेरे पास है, 15 लाख में से 5 लाख गया, कितना बचा? ये गया नहीं गया, ये मतलब जेब में 10 लाख है, फिर 1 लाख गया तो जेब में कितना हो गया? 9 में से फिर आपने टैक्स माइनस किया 2 लाख 10, करो 9 लाख माइनस 2 लाख 10,000, 6 लाख 90 आया ना। तो मैं बच्चे लोग को क्या बोलता हूँ, जितना भी आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसमें डेप्रिसिएशन ऐड कर दे। तो अगर कोई आपको पूछता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो आप उसको बोलोगे 4 लाख 90,000, बट कोई आपको पूछता है कैश प्रॉफिट कितना कमाया तो आप उसको बोलोगे मैंने 4 लाख 90 नहीं कमाया, 6 लाख 90 कमाया, क्योंकि 2 लाख तो मेरे जेब से गया ही नहीं, पक्का समझा। तो व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग कैश प्रॉफिट्स आप नेट प्रॉफिट में डेप्रिसिएशन को ऐड बैक कर देना, क्योंकि डेप्रिसिएशन आपके जेब से गया ही नहीं था, डेप्रिसिएशन तो आपने इसलिए लिखा है ताकि प्रॉफिट कमाए और टैक्स अपना बचे, पक्का समझा। हाँ, अब और एक कंसेप्ट, क्या आपका वर्किंग कैपिटल चैप्टर हो चुका है? अच्छे से सुनना, नो वन विल टॉक। अच्छा, अकाउंट्स में कैश फ्लो हो चुका है? नहीं हुआ, बट वर्किंग कैपिटल हो चुका है, प्लीज सुना अच्छे से। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला इज करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी, ये बात आपको पता है, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच यू हियर इज व्हाट एग्जैक्टली इज वर्किंग कैपिटल। अच्छे से सुना, कंसेप्ट बहुत ट्रिकी है एक्चुअली। वर्किंग कैपिटल वो कैपिटल है जो मुझे डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी करने के लिए चाहिए। क्या होता है बेटा, अपने को बिजनेस करना है, बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए, और समझो मेरी कंपनी है, तो कंपनी के पास पैसा जनरेट करने के 2 ऑप्शन है, या तो वो शेयर्स इशू करेगी और अपने शेयर होल्डर से पैसा लेगी, या तो उन लोग लोन लेके अपना बिजनेस करेंगे। तो मैंने शेयर्स इशू किया, बट शेयर्स भी मैं एक लिमिट तक इशू कर सकता हूँ, तो मेरे पास शेयर होल्डर के फंड्स आ गए और मुझे और पैसा चाहिए बिजनेस करने के लिए, बट मेरे शेयर्स की लिमिट खत्म हो गई, तो मैंने लोन लिया। क्या लिया? अब मेरे पास पैसा आ गया बिजनेस करने के लिए, सबसे पहले मैं खरीदता हूँ फिक्स असेट। क्या खरीदता हूँ? फिक्स असेट में जो पैसा गया है वो अराउंड 5 to 6 years के लिए चला गया, लॉन्ग टर्म के लिए चला गया। तो फिक्स असेट्स में जो पैसा घुसता है उसको बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल। क्या बोलते हैं? और जो डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी करने के लिए पैसा चाहिए उसको क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल। हाँ या ना? मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ तो आपको वर्किंग कैपिटल ज्यादा अच्छे से समझेगा। अपन ट्रेडिंग कंपनी के एंगल से पढ़ रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोडक्ट बाहर से खरीदती कि खुद बनाती है? अच्छा, प्रोडक्ट बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? बोर्ड पे देख, अच्छे से सुन, ये कौन है? कैश से मैंने रॉ मटेरियल खरीदा, बोल, तो मेरा कैश रॉ मटेरियल में इन्वेस्ट हो गया। वो रॉ मटेरियल के गोडाउन में 5 दिन तक स्टोर था। रिपीट करो, कितने डेज सर? 5 दिन तक वो गोडाउन में ही था। 5 दिन के बाद ये रॉ मटेरियल गया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ये रॉ मटेरियल से क्या बनाएगा? प्रोडक्ट। तो वो 5 दिन के बाद गया, देन इट स्टार्टेड WIP, प्रोडक्शन हो रहा है, फुल फॉर्म WIP से फिनिश गुड्स बनते बनते 3 दिन लग गया। आप मुझे बताओ, जो कैश मेरा रॉ मटेरियल में था उसका नेचर चेंज होके WIP में, WIP से नेचर चेंज होके फिनिश गुड्स में। अब आप नोटिस करो, करंट असेट ही घूम रहा है, कैश भी मेरा करंट असेट है, रॉ मटेरियल का स्टॉक भी मेरा करंट असेट है, WIP का स्टॉक भी मेरा करंट असेट है, और फिनिश गुड्स भी मेरा करंट असेट है। फिनिश गुड्स गोडाउन में स्टोर था 6 डेज के लिए, फिर ये बिक गया। मतलब अब सेल्स भी 2 होता है, एक होता है कैश सेल, एक होता है क्रेडिट सेल। अगर कैश सेल है तो यहां से पैसा वापस कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, पर अगर क्रेडिट सेल आया तो बीच में डेटर्स आएगा। अब डेटर्स ने समझो आपको पैसा दिया 15 दिन के बाद, रिपीट करो कितने दिन के बाद? कॉमन सेंस अप्लाई कर, आज जो मैं कैश इन्वेस्ट कर रहा हूं रॉ मटेरियल के अंदर, वो वापस मुझे कैश कितने दिन के बाद मिलेगा आप बताओ? कितना डेज? 5 + 3 + 6 + 15 = 29, और समझो ना ये 16 दिन ले लो, 30 डेज। मतलब आज जो मैंने कैश इन्वेस्ट किया है वो वापस कैश में कब कन्वर्ट होगा? 30 डेज के बाद। तो नेक्स्ट 30 डेज का बिजनेस करने के लिए मुझे पैसा चाहिए, उसको क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल। आया ना? क्योंकि आज जो मैंने पैसा इन्वेस्ट किया रॉ मटेरियल में वो तो 30 डेज के बाद कैश में कन्वर्ट होगा,
तो आज जो मैंने पैसा इन्वेस्ट किया है, अगर मुझे वो 30 डेज के बाद मिलेगा, तो नेक्स्ट 30 डेज के लिए मेरे पास पैसा होना चाहिए बिजनेस करने के लिए। तो उसको कौन सा कैपिटल बोलते हैं? हाँ या ना? अब आप मुझे आंसर देना, अगर वर्किंग कैपिटल मुझे ज्यादा चाहिए तो पैसा आ रहा है कि पैसा जा रहा है? वापस सुनो, वर्किंग कैपिटल मुझे ज्यादा चाहिए मतलब वर्किंग कैपिटल बढ़ रहा है तो मेरा पैसा जा रहा है ना बेटा, इन्वेस्ट हो रहा है। इनफ्लो आउटफ्लो के एंगल से आंसर दो। अगर मुझे वर्किंग कैपिटल बिजनेस करने के लिए ज्यादा चाहिए, अच्छा ये पैसा मुझे कितने दिन के बाद मिल रहा है? अच्छा यही पैसा अगर मुझे 15 दिन के बाद मिलेगा तो आपको चलेगा क्या? क्यों नहीं चलेगा? क्या गधे हो गए तुम? आज जो अपन ने कैश इन्वेस्ट किया है वो मुझे 30 डेज के बाद मिलने के बदले 15 दिन के बाद मिलेगा, तो इट्स गुड ना। मुझे 15 दिन का वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। तो मुझे बताओ, अगर वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए तो देर इज एन इनफ्लो ऑफ कैश और देर इज एन आउटफ्लो ऑफ कैश। आउटफ्लो ऑफ कैश, तेरे जेब से पैसा जाते जा रहा है, थोड़े दिन के बाद आएगा। सुनो, इफ वर्किंग कैपिटल इंक्रीजेस देर इज एन इनफ्लो ऑफ कैश और देर इज एन आउटफ्लो ऑफ कैश, तो तू कैश बजट के हिसाब से उसको लेस करेगा। इफ वर्किंग कैपिटल डिक्रीजेस तो कहीं ना कहीं से पैसा आ रहा है, और अगर पैसा आ रहा है तो कैश बजट के हिसाब से यू विल एड ना, बिकॉज देर इज एन इनफ्लो ऑफ कैश। वापस बोलो, इफ वर्किंग कैपिटल तो आउटफ्लो ऑफ कैश। वंडरफुल बेटा, और अगर वर्किंग कैपिटल डिक्रीजेस तो करेक्ट है ना ये बात। अब आप ऊपर देखो, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला बोल, करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। अगर वर्किंग कैपिटल बढ़ा तो देर इज एन आउटफ्लो ऑफ कैश, एंड वर्किंग कैपिटल गिरा तो देर इज एन इनफ्लो ऑफ कैश। यस और नो? गुड। वर्किंग कैपिटल इंक्रीजेस, आउटफ्लो। वर्किंग कैपिटल डिक्रीजेस। अब आप मुझे आंसर दो, क्या वर्किंग कैपिटल को करंट असेट से फर्क पड़ता है? क्या वर्किंग कैपिटल को करंट लायबिलिटी से फर्क पड़ता है? तो सबका यस नो क्यों नहीं आ रहा है? दो ही चीज तो दिख रही है घदो तुमको इधर। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है? इफ माय करंट असेट चेंजेस वर्किंग कैपिटल चेंजेस, इफ माय करंट लायबिलिटी चेंजेस वर्किंग कैपिटल आल्सो चेंजेस, तो दिस टू अफेक्ट्स वर्किंग कैपिटल ना। सेंसिकल्स। ऊपर देखो, करंट असेट 1000 है, करंट लायबिलिटी 800 है, तो बोलो वर्किंग कैपिटल 200 हुआ। अब मैं क्या कर रहा हूं देख, करंट असेट 1000 के बदले में 1500 हो गया और करंट लायबिलिटी 800 गिरा, तो बोलो 1500 माइनस 800, दैट मींस करंट असेट बढ़ा तो वर्किंग कैपिटल भी बढ़ रहा है, और अगर वर्किंग कैपिटल बढ़ रहा है तो देर इज एन इनफ्लो ऑफ कैश और देर इज एन आउटफ्लो ऑफ कैश। दैट मींस इंक्रीज इन करंट असेट्स मतलब तेरा फंड्स ब्लॉक हो रहा है, तो कैश के हिसाब से उसको तू लेस करेगा क्योंकि देर इज एन आउटफ्लो ऑफ कैश। देखना फंड्स ब्लॉक हो रहा है मेरा। अब आप ऊपर देखो आराम से, बोलो ये कौन है? अगर मैं इसको 1000 से 900 कर दूं तो ये 200 से 100 हो जाएगा। दैट मींस अगर करंट असेट कम होता है तो वर्किंग कैपिटल भी कम होता है, यानी वर्किंग कैपिटल रिड्यूसेस इनफ्लो ऑफ कैश। तो बोल, डिक्रीज इन करंट असेट, क्या करेंगे अपन? ऐड। बेटा ये सब ऐड लेस, मैं कैश के हिसाब से सिखा रहा हूं। गुड। ये इसकी बात हो गई, इसका नाम बोल, करंट लाइबिलिटी। करंट असेट को 1000 रखा, करंट लाइबिलिटी को 800 से 900 पे ले गया, तो वर्किंग कैपिटल गिर गया। देख तो मुझे बताओ, अगर वर्किंग कैपिटल गिर गया करंट लाइबिलिटी बढ़ने के वजह से तो देर इज एन इनफ्लो ऑफ कैश। तो बोल, इंक्रीज इन, क्या होएगा? दैट मींस ऐड। और अगर करंट लाइबिलिटी गिर गई तो वर्किंग कैपिटल बढ़ जाएगा, फिर आपको क्या करना पड़ेगा? लेस। सबको समझा? अभी कोई पूछेगा ये लेस ऐड ऐड लेस क्यों हुआ, तो उसको बोलना ये सब हमको सर ने वर्किंग कैपिटल के एंगल से सिखाया। किसके एंगल से? बोलो, वर्किंग कैपिटल बढ़ा तो गुड बेटा, वर्किंग कैपिटल कम हुआ तो करंट असेट्स इंक्रीज, वर्किंग कैपिटल इंक्रीजेस लेस, करंट असेट डिक्रीजेस वर्किंग कैपिटल डिक्रीजेस ऐड। हाँ या ना? इसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट। क्या बोलते हैं? ये सेम चीज आप कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी सीखोगे, तो ये लिख के रखो नोटबुक में। कैसे लिखोगे मालूम है बेटा? रेड पेन दे वहां से।
आप समझते हो मैं क्या बोलता हूं? ओके, रेड पेन से लिखो वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट और ये लिखो। यहां तो एक काम करो, रेड पेन से वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट लिखा, पहले ये लिखो वर्किंग कैपिटल इंक्रीजेस आउटफ्लो, वर्किंग कैपिटल डिक्रीजेस इनफ्लो एंड देन राइट दिस। पक्का? राइट फास्ट मैन, राइट फास्ट। ना फुर्सत में लिख रही है लड़कियां, इधर हेलोजन लगाओ दो ऊपर। डेकोरेटिंग दिस बेटा, दिस सेम कंसेप्ट इज देयर इन कैश फ्लो स्टेटमेंट, यू अंडरस्टैंड? तो अभी तुमको वहां पे सर सिखाएंगे तो ऐसा बिहेव करना कि कुछ आता है तुमको, है ना? और एल्स नहीं आता है तो बोलना मत मेरा नाम कि मैंने सिखाया। यस, चलो लास्ट क्वेश्चन पे आओ। अरे व्हाई शुड आई वेट? हाँ, व्हाई शुड आई वेट फॉर यू? आई विल नॉट वेट, कम। अरे डोंट राइट दिस, डोंट राइट दिस, राइट दिस एंड दिस। कम, जिसने ये लिखा है बेटा, ये लिखा है तुमने? हाँ, ये नहीं लिखना है। आओ बेटा, हाउ यू राइट मैन, हैंड राइटिंग इज सो हॉरिबल। हाँ, सी माई हैंड राइटिंग, सी योर हैंड राइटिंग, हैंड राइटिंग से मालूम पड़ेगा अनस्किल्ड लेबर। 29th क्वेश्चन, दो बड़े बात करते ना बेटा, डू नॉट स्पीक। नीचे देखो बेटा, बेटा बोल दिया मैंने उसको। 29th क्वेश्चन, डोंट टॉक अभी, है ना, अच्छे से सुनो। अ कंपनी हैज मेड फॉलोइंग बजट फोरकास्ट फॉर द नेक्स्ट ईयर, सीधा लास्ट लाइन पर। व्हाट इज द कंपनीज बजटेड कैश होल्डिंग एट 31st December नेक्स्ट ईयर? तो कहना इसे 31st December का बैलेंस बोला है, मतलब क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो बेटा जहां पर भी पैसा आया तो एड लिखेंगे, पैसा गया तो सुन, पहले लास्ट बॉक्स में स्टॉक दिख रहा है, 1st January 32,000, 31st December 35,000, दोनों का डिफरेंस कितना? लिखो बाजू में 3,000, राइट फास्ट मैन। 41,000 माइनस 28,000, 13,000, 16,000 माइनस 31, 15,000, लिखा। अब वापस लिखो, स्टॉक के बाजू में लिखो करंट असेट। सर आपको कैसे मालूम? मालूम नहीं मुझे। डेटर्स करंट असेट और क्रेडिटर्स, अब आंसर दे। स्टॉक कम हो रहा है कि स्टॉक बढ़ रहा है? मतलब करंट असेट बढ़ रहा है, तो उसके बाजू में माइनस की साइन डाल। डेटर्स कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? तो करंट असेट कम हो रहा है, तो उसके बाजू में ऐड की साइन डाल। समझ रहा है ना? अच्छा, क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटी कम हो रही है कि बढ़ रही है? तो ऐड का साइन डाल। और ये सब माने में वर्किंग कैपिटल की वजह से हुआ। गुड, अब आप ऊपर आओ। ओपनिंग कैश बैलेंस प्लस नेट प्रॉफिट फ्रॉम ट्रेडिंग फॉर द ईयर, पहले मुझे बताओ नेट प्रॉफिट कितना? हाँ, तो कहना ऐसे, ये नेट प्रॉफिट डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद आया होगा। यही बॉक्स का लास्ट आइटम देख, डेप्रिसिएशन कितना? कॉमन सेंस अप्लाई कर, तूने 1 लाख कमाया कि 1,22,000? लिखो उधर 1 लाख के बाजू में प्लस 22। आई गेस आपको समझा मैंने क्या किया। गुड, पेमेंट ऑफ टैक्स माइनस, पेमेंट ऑफ डिविडेंड माइनस, परचेज ऑफ फिक्स असेट माइनस, पैसा गया। अब जहां प्लस लिखा उसको प्लस करो, जहां माइनस लिखा उसको माइनस करो। आंसर शुड बी 56,000, आंसर 56,000 आएगा। फास्ट मैन, फास्ट, डू इट फास्ट। टाइम कहां से लाऊं मैं?
ton.